શબ્દો. પ્રિય ભગવત બંધુઓ, ભક્તિમય, સ્નેહમય, કરુણામય, દયામય, વાત્સલ્યમય, મમતામય માતાઓ, પ્રિય બહેનો, ભાઈઓ, બાળકો, શ્રી અશોક કુમારજી તિવારી ઓર શ્રી રાકેશ કુમારજી તિવારી આદિ સભી જીતને તિવારી પરિવાર કે જન હૈ, ભાઈ બહેન હૈ, પુત્ર પૌત્રાદિ હૈ, સભી કે પાવન સંકલ્પ સે આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ આજ અપને સાતમેં દિવસ કે ભીતર દ્વિતીય દિવસ કે સાયંકાલીન અપરાહ્ન વેલા મેં હમ આપકે સાથ ઉપસ્થિત હૈ. આપને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કી મહિમા કા શ્રવણ કિયા જો આવશ્યક હોતા હૈ. આઈએ હમ ભગવાન વેદવ્યાસજી કે દ્વારા રચિત શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કા પ્રથમ જો વૈદિક સૂત્રવત હૈ જન્માદ્યસ્યતઃ કે સૂત્ર હૈ, ઉસી પર વેદવ્યાસજી ને જન્માદ્યસ્યતોન્વયાદિતરતશ્ચારતેષભિજ્ઞસ્વરાટ તેને બ્રહ્મ હૃદય આદિ કવજે મુહ્યંતિ યત સૂરયઃ તેજો વારિ મૃદાં યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. પ્રિય બંધુઓ, ભાઈઓ, બહેનો, શ્રી વેદવ્યાસજી ને વૈદિક મંગલાચરણ કિયા. હમ સભી મિલકર સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા કા ધ્યાન કરેં, ધીમહી કા ઉપલક્ષણ હૈ ધ્યાન. જિસ તરહ વેદ વ્યાસજી ને ધ્યાન પૂર્વક સંત સદગુરુદેવ નારદજી કે દ્વારા બતાએ હુએ ચાર સૂત્રો કે ઉપર 18,000 શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કે અંદર રચના કી શ્લોકો કી શ્લોક માને હોતા હૈ પુણ્ય. જિનકે સુનને સે પુણ્ય કી પ્રાપ્તિ હોતી હૈ, વિઘ્ન દૂર હોતે હૈ, વો હૈ શ્લોક. ઔર ભગવાન પુણ્ય શ્લોક હૈ. ભગવતી કિશોરી ભાસ્વતી શ્રુતિ સ્વરૂપા શ્રી સીતાજી પુણ્ય શ્લોકા હૈ. મહારાજા નલ પુણ્ય શ્લોક કહે ગયે. મહારાજા યુધિષ્ઠિર પુણ્ય શ્લોક કહે ગયે. પુણ્ય શ્લોકો નલો રાજા
पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः पुण्य श्लोकाच वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनः। इन सबों के नाम उच्चारण कर लेने से मेरे भाइयों बहनों पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इन्होंने इन मंगल श्लोकों की व्याख्या की, मीमांसा की है। जन्माद्यस्य यतः, यतः माने जिनसे, जिन परमात्मा से, जन्म आदि सृष्टि और आदि से पालन और संहार। सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी के रूप में और पालन करते हैं श्री विष्णु जी के रूप में और संहार करते हैं श्री शिव जी के रूप में। हम उनका वंदन करें, ध्यान करें, वे ही श्री कृष्ण हैं, वे ही श्री राम हैं। आपस में कोई विवाद न हो, कोई कहे कि हमारे प्रभु श्री राम का नाम है तो हमारा ग्रंथ है, कोई कहे श्री कृष्ण का नाम है तो हम पुष्टि मार्गियों का है। इसलिए इस झमेले को वेद व्यास जी ने हटा दिया। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। और पहले कहा ही है भगवान सत्य है, सत्य प्रति सत्संकल्प है। तो जो भगवान सत्य है, सत्य संकल्प है, हम उनका ध्यान करें। अगली बात बताई अन्वयादितरतः। अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है? जिसके रहने से सब रहता है वह है अन्वय। अर्थात जब जन्म होता है तो हमारे हाथ पैर आंख नाक कान सब हो जाते हैं। अन्वय अवयव के साथ हम उपस्थित होते हैं। बीज जब वृक्ष बनता है अन्वय हो जाता है, उसमें सौंदर्य माधुर्य औदार्य गांभीर्य स्थैर्य धैर्य मधुरता आकर्षण स्वरूप, उन्हें देखने की बार बार इच्छा होती है, वो अन्वय है। जब परिवार भरा पूरा होता है तो उस घर में रहना और जाना और खाना पीना हंसना बोलना अच्छा लगता है। और घर बनता भी इसीलिए है, परिवार बढ़े तो कहां रहे। फिर उसका उल्टा है व्यतिरेक, माने जिसके छुप जाने से, तिरोहित हो जाने से सब कुछ छुप जाता है, वो है व्यतिरेक। और दोनों तरफ से, दोनों तरह से जो हम पर कृपा करते हैं, चाहे हमें अपने दिव्य स्वरूपों से, सौंदर्य से, सुंदर आंख दे दे, सुंदर कान दे दे, सुंदर मस्तक दे दे, सुंदर मुखारविंद दे दे, करारविंद नैनारविंद पादारविंद चरणारविंद सब सुंदर सुंदर दे दे, ताकि हम अपने प्रभु को सुंदर लगे, अपने प्रेमियों को सुंदर लगे। सुंदरता कहां सुंदर करई, भगवान सौंदर्य को भी सुंदरता प्रदान करते हैं। सुंदरता कहां सुंदर करई, तो दोनों तरफ से है,
बीज भी भगवान है, वृक्ष भी भगवान है। आप जब नाम का जप करते हो मेरे भाई बहनों, तब समझो आप बीजात्मक प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, जो सबके आधार हैं। दिखते नहीं, खाली बीज दिखता है, पर उस बीज में विशाल वृक्ष होने का संबल होता है, शक्ति होती है। और जब आप पाठ करते हो, रामायण पाठ करना, भागवत पाठ करना, तो आप समझो भगवान के सारे गुण और उनके वैभव का वर्णन करते हैं। समझो विशाल वट वृक्ष है वो, भगवान का उसमें निवास है। जैसे जन्म काल में बीज प्रदह पिता भगवान पति के रूप में अपनी शक्ति को ट्रांसफर करते हैं, तब जलवत शक्ति आती है और वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक सुंदर संतान के रूप में, बालक बालिका के रूप में दर्शन मिलता है। तो जप और पाठ में यही अंतर है, जप का भी पुण्य वही है और पाठ का पुण्य भी वही है, लेकिन जब पाठ करेंगे तो सब मिलकर करेंगे, सबको लाभ मिलेगा, और जब करेंगे तो अकेले लाभ मिलेगा। अकेले रहना अच्छा भगवान को भी नहीं लगता, इसलिए दुनिया बसाते हैं। दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। इस माया से पार जाने वालों, आपको मायापति, माया के निर्माता, माया के रचनाकार के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रभु का हम ध्यान करें। और अगली बात कहते हैं, अर्थे स्वभिज्ञ स्वराट। सारे प्रपंचों में, सारी वस्तुओं में, सारे व्यक्तियों में, सारी जगहों में वो विराजमान हैं और सब कुछ जानते हैं। स्वराट है, स्वयं राजते, अपनी शक्ति से प्रकाशमान है, उन्हें कोई शक्ति नहीं देता, उनका सहयोग कोई नहीं करता, वे स्वयं की शक्ति से शक्तिमान हैं। अगली बात कही वेद व्यास जी ने, तेने ब्रह्म या आदि कवजे। आदि कवि ब्रह्मा के लिए जिन परमात्मा ने, जिन शक्तिदाता ने, सृष्टिकर्ता ने ब्रह्म माने वेद का ज्ञान दिया है, ऐसे ज्ञान प्रदाता सदगुरु भगवान का हम नमन करें, वंदन करें, ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, पूजन करें, कीर्तन करें। अगली बात बताई, मुहियंति यत सूरयः। सूरी लोग जिनकी लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता कैसे हो गया। जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ और बाल लीला करते हुए, बछड़ों को चराते हुए, बाल ग्वाल बालों के साथ भगवान लीला कर रहे हैं, और एक दिन जब मन सुखा, जो पुरोहित सांडिल्य तिवारी जी का बेटा, पूर्णिमा जी का बेटा,
अपने घर से बनवा के लाए हुए कढ़ी को अकेले पीने लगा एकांत में जाकर। कन्हैया ने कहा था कल अपने घर से लाना, वो खाया जाएगा, रोज हमारे घर भी खाता है। चूंकि मनसुखा के घर में 24 घंटे में एक बार रसोई बनती थी, तिवारी जी महाराज जो थे सांडिल्य महाराज 24 घंटे में एक बार आहार लेते थे। पूर्णिमा उनकी मां थी, कन्हैया के पास बड़ा प्रेम से स्नेह से मनसुखा आना जाना रहता था। तो मैया ने कहा तू हमारे ही घर में खा लिया कर, क्यों कन्हैया को तू अच्छा लगता है। विनोद बस एक दिन कन्हैया ने कह दिया आज तू अपने घर से बनवा के लाएगा। तो मैया पूर्णिमा जी ने क्या बनावे, यशोदा जी के यहां से आए हुए दही से कढ़ी बना दिया बेसन डाल और दे दिया कि ले जा। अब वो दही भी पुरानी, मनसुखा को लगा और लोग लड्डू पेड़ा बर्फी तरह तरह के मिष्ठान लाए हैं और हमारे घर से हम क्या लाए, खट्टी खट्टी कढ़ी। तो यदि अपने श्याम को मैंने खिलाया तो इसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। एकांत में जाकर ढक्कन खोला पीने लगा। कन्हैया देखे कोई ऐसी वस्तु लाया है जो अकेले खा जाना चाहता है और दौड़े जब तक तब तक तो तेजी से गिराने के कारण उसके मुख से कढ़ी चूने लगी। ठाकुर श्याम सुंदर जी दौड़कर और भैया अपने जीवा से चाटने लगे। ब्रह्मा जी को मुंह गए, ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो अहीरों के बच्चों का जूठन खाता है, चलो परीक्षा ले ले। तो बूढ़े बाबा कन्हैया की परीक्षा लेने आ गए। बछड़े चरते चरते दूर चले गए, पहले बछड़ों को छुपा दिया कंदरा में। श्री रामा ने कहा कन्हैया बछड़े कहां गए। लड्डू का ग्रास लेकर गोपाल ठहरो, तुम लोग कलेवा करो, हम जाते हैं बछड़ों को लाने। जब उधर गए बछड़े मिले नहीं, लौट के आए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी छुपा दिया। उधर बछड़े नहीं मिले, इधर ग्वाल बाल नहीं मिले। प्रभु जी ने समझ लिया ये हमारी परीक्षा हो रही है। जावत बत सप बत सकाल पक बपुर, जैसे जैसे ग्वाल बाल जैसे जैसे बछड़े वैसे ही ठाकुर जी बन गए। और अब जब बछड़ों को उन गऊ माताओं ने थन से दूध पिलाना शुरू किया, वे समझ गई आज मेरे गोपाल मेरे बच्चे बनकर आए। क्योंकि एक बार गोपाल जी दूध पी रहे थे मैया का, तो गायों ने कहा था गोपाल क्या तू हमारा दूध पिएगा, कभी हमारा दूध पिएगा। गोपाल ने इशारे में कहा था जरूर पीऊंगा। और ऐसा अवसर आ गया, एक वर्ष तक
ग्वाल बाल बने, बछड़े बने, श्याम सुंदर लीला कर रहे, लेकिन यह लीला दाऊ जी नहीं समझ पाए। और जब एक साल बाद वे पुराने बछड़े और पुराने ग्वाल बाल आते दिखे तो पूछा दाऊ ने, बलराम जी ने पूछा, कन्हैया ये कौन से बछड़े आ रहे हैं? बोले वही तो है, बोलिए ये गायब हो गए, पहले वाले गायब हो गए, जो थे वही आ रहे हैं, अब ये गायब हो गए। बलराम जी ने कहा क्या लीला है तेरी? कहा बस चुपचाप देखते रहो दाऊ, नहीं समझ पाए। ऐसे ही जब श्री राघवेंद्र सरकार जी ने 14 वर्ष के उस वनवास में लीला करनी चाही, अब प्रभु से प्रभु ने कहा देवी सुनाऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनाऊ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महाकरो निवासा, तुम पावक महाकरो निवासा, जब लगी करो निसाचर नासा, जब लगी रचा भगवान, सोमरम लक्ष्मण न जाना, सोमरम लक्ष्मण न जाना। श्री किशोरी जानकी जी के साथ भगवान ने जो लीला की, छाया सीता को बाहर करके असली सीता जल नदी अग्नि में समाहित किया, पर इस लीला को श्री लखनलाल जी नहीं जान पाए। इसी तरह यहां भी जो लीला ग्वाल बालों के साथ और बछड़ों के साथ, बछड़े के रूप में ग्वाल बालों के रूप में श्री श्याम सुंदर प्रभु ने किया, इसको दाऊ नहीं जान पाए। मुहियंतियत सूरय, यहां पर यह ध्यान देने की बात है। अगला प्रसंग आता है तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, आग में भी पानी है, पानी में आग है, मिट्टी में पानी है, पानी में मिट्टी है, हवा में पानी है, पानी में हवा है, सब में सबका निवास है, ये विनिमय है ठाकुर जी का। ना तो हमारा जीवन केवल अग्नि से चलेगा, न केवल पानी से चलेगा, न केवल हवा से चलेगा, हमें हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, आग भी चाहिए, खुला स्थान भी चाहिए, शरीर भी चाहिए। पांचों तत्वों का समावेश रहेगा तभी शरीर चलेगी। इसी तरह ओतम प्रोतम पटवद यस्य विश्वम
अगर कपड़े के धागे को अलग अलग कर दिया जाए तो कपड़ा नहीं रहेगा, धागे दिखेंगे। सूतों के मने धागों के एक साथ समूह से, समुदाय से, समवेत से, सहायता से एक लेयर बनता है, पर्दा बनता है, कपड़ा हो जाता है। और अगर कपास ना हो तो धागा नहीं बनेगा। तो ठाकुर जी धागा भी है, उसके पहले कपास भी है और वस्त्र भी है, उपाय भी है, उपेय भी है, बनने वाले भी है, बनाने वाले भी है, और बनने बनाने के साथ देखने वाले भी है। हम में तुम में खड़क खंब में बाहर भीतर व्यापे राम, तो फिर हम लोग दुखी क्यों होते हैं? इसलिए कि प्रेम हो जाता है। कबीर जी ने कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटे कुंभ जल जलई समाना, ई तत कहो तो ज्ञानी। ये शरीर आपका सरोवर है, हम सबों का शरीर सरोवर है, इसमें जल भरा हुआ है। और ये संसार भी जलवत है, अथाह संसार सागर है। तो इस अथाह संसार सागर के इस जल में ये जो कुंभ है, शरीर है, ये तैर रहा है और भीतर भी पानी है। जब तक इस कुंभ में जल रहने की शक्ति है तब तक अलग अलग दिखता है, और जब ये शरीर से वह पानी अलग हो जाता है, जो अग्नि के रूप में भी है, अग्नि भी है, वो वायु भी है, वो जल भी है, जब वो बाहर हुआ, भीतर वाला जल बाहर आ गया, बाहर के जल में मिल गया। मान लीजिए पोखरा है, पोखरे में पानी है और पानी के ऊपर एक घड़ा रखा है और घड़े में पानी है, तो पोखरे के जल पर जो घड़ा रखा है उसमें पानी है और बाहर भी पानी है, पानी पर है वो। घड़ा टूट गया, पानी पानी में चला गया, अब कोई कहे कि जो घड़ा में पानी था वो इसको तलाश करो, खोजो कहाँ है, जिस तरह वो नहीं मिलता, इसी तरह हमारे पांच पंच हैं और पांचों पंचों के सहयोग से शरीर चल रही है। जब ये पांचों पंच, इनका ठेका पट्टा खत्म हो जाएगा तब ये अपनी अपनी शक्ति ले लेंगे, मिट्टी मिट्टी में चला जाएगा, आग आग में, पानी पानी में, हवा हवा में, खुला स्थान आकाश में। अब खोजते रहो कहां गए। इसलिए बताते हैं भैया, रहना नहीं देश बिराना है, 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 रहना नहीं देश बिराना है।
बिराना है। इससे ज्यादा मोहब्बत मत करो, ज्यादा प्रेम मत करो, नहीं तो रोना पड़ेगा। ज्यादा रोओगे तो हंसने की नौबत आएगी, और ज्यादा हंसोगे तो रोने की नौबत आएगी। ज्यादा बोलोगे तो चुप होने की नौबत आएगी, और ज्यादा चुप रहोगे तो बोलने की इच्छा करेगी। एक जैसी स्थिति में रहने की कोई गुंजाइश यहां नहीं है। नहीं बोलोगे चुप्पा कहलाओगे, बड़ी चुप्पी है, बोलती नहीं है। और अगर ज्यादा बोले, अरे बड़ी बकबकी है, मैंने दिमाग खराब कर दिया बोलते बोलते बोलते, तो बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, चलो फिरो थको मत। मतलब चलना फिरना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा ना चलो कि थक जाओ। बोलना बुरा नहीं, लेकिन बकना बुरा है। देखना बुरा नहीं, ताकना बुरा है। लेकिन खाना भी बुरा नहीं है, पर छक के खाना बुरा है। अति सर्वत्र वर्जय। अब कहते हैं, यत्र त्रिसर्गो मृषा, जहां पर श्री श्याम सुंदर प्रभु ने क्या किया है, सृष्टि तीन प्रकार करी है। एक तो ब्रजलीला है, वो सृष्टि किया। दूसरे मथुरा लीला है, दूसरी सृष्टि है। और द्वारिका लीला है, वो तीसरी सृष्टि है। यत्र त्रिसर्गो मृषा, जहां पर जिस भागवत जी में तीन लीलाओं का मुख्य वर्णन है प्रभु का, है ब्रजलीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला। यत्र त्रिसर्गो मृषा, उनके रहने तक सब सत्य है, सब सही है। और जब वो चले गए, सब चला गया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने ही धाम माने तेज से कुहकमन अंधकार को दूर करने वाले सत्यम परम धीमहि। अपने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री नारायण, बामंदर सिंह कुर्मादि का जो नाम है, उसका ध्यान करते रहिए। नाम के जपने से नामी को आपकी बात सुनने पड़ती है, इसलिए नाम जपने की महात्मा, ज्ञानी विज्ञानी, विद्वान लोग, सयाने लोग, समझदार लोग, समझदारी बताते हैं इसी में है। भैया सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे, सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके, आवत हृदय स्नेह अभिषेके, आवत हृदय स्नेह अभिषेके, आवत हृदय। नाम का पल्लू पकड़े रहिए, तो नामी एक दिन आपसे पूछ बैठेगा, बेटा क्या बात है। इसीलिए बार बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम भगवान। सुखदेव जी ने मंगल किया है,
ये तो व्यास जी का मंगल आपको सुनाया, अब सुनिए श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं। धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत शराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तब भैया सूत जी ने मंगल किया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुविभावुक। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, महाराज इस भागवत शास्त्र में जो महामुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः जो श्री वेद व्यास गुरु जी ने पिताजी ने जो कुछ इसमें तिरोहित पिरोया है, रचना की है, रखा है, भरा है, वह कैतव धर्म का निरूपण है, निष्कपट धर्म का। यहां छल प्रपंच नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, मत्सर नहीं है। निर्मत शराणाम सताम वेद्यम, जिनका मन निर्मल होगा उन्हीं के समझ में आएगा, क्योंकि वो समीपाद भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल साधकों का, चिंतकों का, जप करने वाले जापकों का, मनन करने वाले मंतारों का यही कहना है, भैया मन को निर्मल करो। 1400 वर्षों तक मृत्यु को लौटाकर 14 बार लौटाया, 100 वर्ष पर मृत्यु देवता देवी आते और बाबा चांग देव थे वो लौटा देते, बट मैं नहीं जाता, जाओ। लेकिन वो बूढ़े बाबा के हृदय में भी जलन है। जब उन्हें ये पता चला महाराष्ट्र के पैठन में रहने वाले संत ज्ञानेश्वर जी 16 वर्ष का लड़का बालक पर उसकी ख्याति फैल रही है, बड़ा ज्ञानी है, विज्ञानी है, सिद्ध है, तो ऐसे सिद्ध से मिलना चाहिए, लेकिन पहले चिट्ठी लिखें। तो चिट्ठी लिखने बैठे बाबा, अब काव लिखें, प्रणाम लिखें कि आशीर्वाद लिखें। अगर प्रणाम लिखने की इच्छा करें तो कहते छोटा बच्चा है, प्रणाम करेंगे उसको हम, और आशीर्वाद देने की बात करें तो भाई सिद्ध तो है ही वो। इस उहापोह में चांगदेव महाराज 1400 वर्षों के बूढ़े बाबा ऊपर नाम लिखकर भेज दिया, पता लिखकर, और अंदर चिट्ठी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, भेज दिया।
चिट्ठी पहुंच गई, जब खोली गई तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। तो ज्ञानेश्वर जी की बहन थी मुक्ताबाई, स्त्रियां भी बहुत ज्ञानी हुई हैं, गार्गी मैत्रेयी आदि का नाम आज भी आता है। तो मुक्ताबाई ने कहा, रे चांगदेव, तू 1400 वर्षों का खाक जिया, तुझको जीने का सलीका नहीं आया, कैसे जीवन जिया जाता है। वापस चिट्ठी आ गई और यही लिखा मिला, रे चांगदेव, तू तो कोरा का कोरा ही रह गया, तेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कुछ न कर सका तू। जैसे कोई थप्पड़ मार दे ऐसा अनुभव हुआ है। चलो भाई, ऐसे संत से मिलना चाहिए। शेर को बुलाया, शेर आ गया, बैठ गए शेर के पीठ पर। सर्प को बुलाया, सर्प आ गया, लगाम लगा दिया उसके मुख में। शेर की सवारी है, सर्प की लगाम है, और बाबा 1400 वर्षों के बूढ़े चांगदेव जी 16 वर्ष ही ये ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए चल पड़े। इधर पत्थर की चौकी पर 16 वर्षीय कुमार ज्ञानेश्वर जी विराजमान थे। उन्हें पता लग गया संत मिलने आ रहे हैं। पत्थर की चौकी को देखा और कहा, अरे चौकी, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ऐसे बैठी रहे, चल, 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 चल। इतना कहते ही तो चौकी, पत्थर निर्जीव है और उसमें जीवन आ गया, प्राण आ गया, वो चलने लगी। और पत्थर की चौकी पर बैठे हुए ज्ञानेश्वर जी संत से मिलने जा रहे हैं। दूर से दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहले देखा चांगदेव ने, चांगेश्वर ने देखा ज्ञानेश्वर को, पत्थर की चौकी पर बैठा हुआ इंसान आ रहा है, बच्चा बालक है, पर इसने इसमें जान दे दी, इसको प्राण फूंक दिया, इसमें प्राणों का संचार हो गया, इसमें ये हमसे बहुत आगे है, हमने तो 14 बार मृत्यु को लौटाया और हठ पूर्वक इन हिंसक जीवों को जो सजीव हैं, चेतन हैं, दौड़ भाग करने वाले, सर्प रेंगता है और बहुत उम्र हो जाने पर उड़ता है, शेर भी 4 पैर वाला है, चलता है, दौड़ता है, आखेट करता है, अर्थात जीव है, हिंसक है, लेकिन ये बाबा जो बालक राम है, बालक नाथ है, बालक राम ज्ञानेश्वर महाराज, ये तो बहुत बड़े हैं। शेर को
भेज दिया जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, सर्फ को छोड़ दिया तुम भी जाओ, जरूरत नहीं है। अब तो पैदल पैदल चलने लगे और पत्थर की चौकी से उठकर अभी उनका सम्मान करने के लिए आगे बढ़े तब तक तो दंडवत करने लगे, दंडे के समान पड़ गए। जैसे डंडा पड़ा रहता है ऐसे ही पड़ गए। नत्वाच दंडवत भूमौ ज्ञानिनम तु पुनः पुनः, अपने ज्ञान से ज्ञान को भी सम्मानित करने वाले ज्ञानेश्वर जी देखते तो लंबा हो गए, उठाया उनको, ये क्या कर रहे हैं महाराज, हम तो बच्चे हैं आपके सामने, आपको प्रणाम करने लगे। नहीं, मैं तब तक नहीं उठूंगा, ऐसे ही पड़ा रहूंगा आपके चरणों में जब तक आप हमें चेला नहीं बना लेंगे। क्यों? हम तो हठ योगी हैं, हठ पूर्वक प्राणों को हमने रोका है, हठ पूर्वक हिंसक पशुओं को अपने बस में किया है, लेकिन हे महानुभाव, हम निर्जीवों में जान नहीं डाल पाए, इसलिए वो शक्ति आपके पास है, कृपया हमें शिष्य बनाए और हमें भी ज्ञान का दान दे दे। हम इस योग कहां हैं? क्या इस योग्य हम कहां हैं? गुरुवर तुम्हें रिझाए, इस योग्य हम कहां हैं? गुरुवर तुम्हें रिझाए, फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तो मान जाए, इस योग्य हम तुम्हें रिझाए, इस योग हम कहां हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए।
मैं जाए फिर भी मना रहे फिर भी मना रहे फिर भी मना रहे फिर भी मना रहे शायद तो मान जाए सियोग हम कहाँ है गुरुवर तुम्हें मुरझाए सियोग हम कहाँ है गुरुवर तुम्हें जब लगाए माया पुकारती है तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है ओ सद्बुद्धि को तुम्हें दिखाए सियोग
कहलाए गुरुवर तुम्हें रिझाए गुरुवर तुम्हें रिझाए भगवान की जय। चांगदेव महाराज गुरु बनाने की जिद ठान रखे हैं, चरणों में पड़े हैं, इन्हें संकोच हो रहा है। मैं तो 16 वर्ष का बालक हूं, ये 1400 वर्षों के बूढ़े बाबा हैं, अब ये चेला बनना चाहते हैं, मैं क्या करूं। अंत में विवश होकर ज्ञानेश्वर जी ने उनको चेला बनाया, माथे पे हाथ रखा और उन्हें समाधि लग गई। प्रिय बंधुओं, अब उनका मन निर्मल हो गया तो चटपट दर्शन हो गए। जब मन की खटपट मिले मिटे तो झटपट दर्शन हो। तो भागवत जी का समझ में आना, मन में निर्मलता होगी तब आएगी और तभी टिकेगी। लेकिन कोई बात नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अकरणात् किंचित करणम श्रेयः। कुछ भी न करने की अपेक्षा कुछ तो करना अच्छा होता है। अब आइए श्रीमद् भागवत शास्त्र के विषय में ये क्या चीज है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेद को, तरु कहते हैं वृक्ष को। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। जिस तरह पेड़ के पत्ते में, आम के पेड़ के पत्ते में, आम के पेड़ की छाल में, आम के पेड़ के बौर में, आम के पेड़ के उस फल के टिकोरे में वो रस नहीं जो पकने पर होता है। आप आम का पत्ता खाओ तो आम के फल के रस का स्वाद नहीं मिलेगा। छाल को पीस कर पियो तो आम के उस मीठे मीठे रसाल के मधुर रस का आस्वाद नहीं मिलेगा। और आम के किसी भी वस्तु का, चाहे पल्लव हो, चाहे बौर हो मंजरी, चाहे वो तना हो, छिलका हो, छिलका पत्ता और मंजरी, टिकोरा भी खट्टापन रहेगा लेकिन मीठा नहीं होगा। लेकिन जब वो मीठा हो जाएगा तब आनंद मिलेगा। ऐसे ही वेद के पढ़ने से भागवत रस का फल मिले जरूरी नहीं है। जिस तरह आम के पक जाने पर उसके फल में जो गुण है, जो स्वाद है, पीते रह जाए, चूसते रह जाए, वो पत्तों आदि में नहीं है। और खास बात क्या हो गया है, क्या हो गई, सुखदेव भगवान ने अपने मुखारविंद का स्पर्श कर दिया, टिकोरा बन गया, नहीं वो कोयलरी बन गया और मीठा हो गया। और इसमें दो ही प्रकार के इंसानों का प्रवेश होता है,
या तो वे भावुक हृदय हो या रसिक हो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। धरती पर निवास करने वाले मेरे रसिकों और भावुकों, जो भरा नहीं है भावों से, भक्ति के रस से जिसका हृदय लबालब भरा नहीं है, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। तो हम भारत देश के हैं, भारत के प्रति में प्रेम होना चाहिए। ऐसे हम भागवत का अध्ययन करें, भागवत पढ़ें, भागवत रस पिए, तो हमें कहीं कोई कमी नहीं अनुभव होगी, सब पूर्ण रहेगा। एक पंडित जी बोले, भाई सब लोग कहते हैं भागवत पाठ करने से व्यक्ति की निर्धनता चली जाती है, गरीबी हट जाती है। बोले हम बचपन से पाठ करते हैं लेकिन कोई ज्यादा अंतर मुझमें नहीं आया, बस ले आओ खाओ ले आओ खाओ, कुछ हम कर नहीं पाए। तो हम कैसे जाने कि भागवत के पढ़ लेने से परिपूर्णता हो जाती है पाठ करने से। तो कोई सयाने पंडित जी थे, पूछे भैया ये बताओ, बिना दूसरों के संकल्प लिए अपने लिए कितना पाठ किया आपने भागवत जी का? बोले एको नहीं किया। तो बोल भले आदमी, जब तू अपने लिए एक भी पाठ नहीं किया तो जिससे तुमने संकल्प लेकर दक्षिणा ली फल उसको मिला, और इसके बाद शिकायत करते हो कि हम तो ज्यों के त्यों रह गए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये बात है, पढ़ो तो जरा, अवश्य फल मिलेगा। चलिए लय पर्यंत पीते रहिए, एक बार नहीं बार बार सुनिए, बार बार पीजिए। अब अगला प्रसंग किया, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। और हम आप सभी के बीच में परम सम्मानी परम आदरणीय अयोध्या के लोकप्रिय सांसद लल्लू सिंह के सुपुत्र विकास सिंह उत्तर प्रदेश के कबड्डी संघ के अध्यक्ष पधारे हुए हैं। आप आएंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमलों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सियाराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम।
राम जय राम जय जय जंतमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान श्री सुखदेव जो मां के उदर में माँ अरणी माता के उदर में 12 वर्षों तक निवास किए, प्रतिवर्ष पिता व्यास जी आवाज देते बेटा बाहर आओ, अंदर से आवाज आती नहीं, हम माया के स्वरूप को जानते हैं, माया महाठगिन है, उस माया के लपेटे में हम नहीं आना चाहते। अंतिम में जब 12वें वर्ष व्यास जी ने विश्वास दिलाया कि बेटा देखो हमारे 3 मुख नहीं है, अरे 4 मुख नहीं, 3 आंखें नहीं, 4 भुजाएं नहीं, लेकिन हम ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति रखते हैं, मैं वचन देता हूं कि तुम बाहर आओ, माया तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आश्वासन मिला और बाहर आए तो जो दृष्टि सुखदेव जी की थी उन्होंने पहचान लिया, ये माया आती है तो दिखती नहीं है, मां या ये है नहीं पर लग जाती है, और लग जाती है तो छूटती नहीं है, इसलिए उन्हें माया का स्वरूप दिखा और वो भगे। माता पिता का मोह बिल्कुल नहीं, सबका परित्याग करके चल दिए। प्रसूति का जो वायु है वो उन्हें बांध नहीं पाई, आगे जाकर वृक्षों के बीच पहुंचे जंगल में, वहां से भी वृक्षों ने भी हा पुत्र का रट लगाया, आवाज लगाई, इन्हें बताया ये बेटा आपका व्यक्तिगत अकेले नहीं है, ये तो संसार को तारने आया है, इसे आप अपने एक परिवार की परिधि में, एक खानदान की परिधि में, उसकी सीमा के भीतर आप नहीं बांध सकते, इसे जाने दीजिए। आगे जाते हैं, देवांगनाएं वस्त्रहीन होकर एक मायामय सरोवर में स्नान करते दिखती हैं। 12 वर्षीय दिगंबर श्री सुखदेव भगवान जा रहे हैं, कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई गलानी नहीं, लेकिन जब 80 वर्ष के बूढ़े बाबा व्यास जी पहुंचे तो उनके अंदर एक रीड़ा और लज्जा पैदा हुई और वे निकल निकल कर वस्त्र पहनने लगी, तो व्यास जी ने संकेत में ही प्रश्न कर दिया कि मेरा बेटा युवावस्था की दहलीज पर कदम रखने वाला आगे बढ़ता जा रहा है, तुमने उसे देखा, उसने तुमको देखा कि नहीं देखा, पर तुम में लज्जा नहीं आई, और हमने तुमको देखा भी नहीं पर हमें देखकर तुमने लज्जा का अनुभव किया, क्यों? क्योंकि हम तो बूढ़े हैं, इंद्रियां हमारे शिथिल हैं, विषय की वासना है नहीं, तो फिर मुझको देखकर आपके अंदर घृणा क्यों, लज्जा क्यों? उत्तर मिला, महाराज आपके पुत्र में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, सब समान है, समदर्शी हैं वे, लेकिन आपकी दृष्टि जानती है ये स्त्री है ये पुरुष है, क्योंकि आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके और
गृहस्थाश्रम के रीत रिवाज के अनुसार जीवन यापन किया है, लेकिन आपके जो सपूत हैं, जो जगत को तारने आ गए, वे इससे परे हैं। आद्य प्रवृत्ति भो लोका यूयम यूयम वयम वयम, आदेश कर दिया आप चले जाओ, हम लौटने वाले नहीं हैं। गुफा में चले गए, व्यास जी वापस आ गए। अब देखिए श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम में विराजमान हैं, इनके यहां श्री नारद जी आते हैं। ये उस दिन व्यग्र थे, तनाव में थे, कभी कुटिया के भीतर जाएं कभी बाहर आवें, लेकिन जब नारद जी आ गए, आसन दिया, चरण धोया, चंदन आदि से पुष्पाद से अर्चन किया, नमन किया, आरती करी, कुछ अनुयाग दिया, स्वीकार हुआ। अब महाराज देवर्षि जी पूछते हैं, नारद जी श्री वेद व्यास जी बताइए, आपके अंदर सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? बोले गुरुदेव यही तो बात है, सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। दिखने में लगता है सब ठीक है, लेकिन पता नहीं चलता कौन सी हवा कब विपरीत हो जाए, कितने लोग कब अनुकूल कब प्रतिकूल हो जाएं, पता नहीं चलता। सुख के सब साथी, सुख के सब साथी, सुख के सब साथी, दुख में न को, सुख के सब साथी, दुख में न को, मेरे राम मेरे राम, तेरा नाम एक साचा तू जन को, तेरा नाम एक साचा तू जन को, सुख के सब साथी मैं न को। देवर्षि जी ने कहा कोई बात नहीं, संसार है, खेतों में फसलें भी बराबर नहीं होती, कमोबेश हो जाती, बीज एक समान पड़ता है, तब भी कुछ अनुकूल होंगे कुछ प्रतिकूल होंगे। एक राजस्थानी भाषा में है, कोई नटे कोई पटे, कोई नटे कोई पटे, यदि सही पटे तो कठे रखे। यदि आपके अनुकूल सब हो जाए और सभी आपको डोनेशन देने लग जाए तो कहां रखेंगे, जगह नहीं रहेगी। और ऐसा भी नहीं कोई नहीं देता, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नट जाते हैं, जवाब देते भैया नहीं मेरा मन नहीं है, कोई बात नहीं। इसलिए प्रभु की इच्छा से सबके लिए समान व्यवहार करते हुए भी जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ता है। समदर्शिता एक साथ बैठकर भोजन करने में ही नहीं है, एक समान वेश धारण करने में ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग स्वभाव है। पशुओं का स्वभाव अलग है, पक्षियों का स्वभाव अलग है, मनुष्यों का स्वभाव अलग है, मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकृति है, कोई राजसी है कोई तामसी है कोई सात्विकी है, न सब सात्विकी है न सब राजसी है न सब तामसी है, कुछ तामसी है कुछ राजसी है। और हाँ,
इन तीनों का समावेश रहता है। जब सात्विक गुण कम होंगे तो राजस होगा, और जब राजस भी कम होंगे तब तामस होगा। तामसी ये गुणी जब होगा, गुण आएगा, प्रधानता होगी, तो ये दोनों नगण्य रहेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर। जो व्यक्ति तामसी दिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सात्विकता नहीं है, राजसीपन नहीं है, है, लेकिन वे नगण्य है, उनका प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसी राजसी अवस्था जब आती है तो तामसी नगण्य हो जाता है, ये सात्विकी नगण्य हो जाते हैं। और जब सात्विकी अवस्था आती है, सात्विक गुण प्रधान होता है, तब ये दोनों गुण हो जाते हैं। इसी तरह रजो जुसे जनमनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्त्रिसे अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तीनों अगर सम हो जाए तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे कफ है, बात है, पित्त है, ये तीनों विषम रहते हैं तो गाड़ी चलती है। अगर दोनों का प्रेम एक जैसा हो जाए, प्रीति करें जो तीनों भाई, 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 उपजई सन्निपात दुखदाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। गोपाल कृष्ण भगवान ये सम नहीं हो सकते। बाहर कहां जाते हैं देखिए, बिजली का प्रभाव देखिए, बिजली तो एक ही है लेकिन हर तार में एक ही जैसी ताकत नहीं दी गई है, एक जैसी ताकत नहीं दी गई है। अगर हर तार में एक जैसी ताकत आ जाए तो जीरो बल्ब भ्रष्ट हो जाएगा, जलेगा नहीं, कम पावर वाले लाइट नहीं जलेंगे। तारतम्य न वर्तते। इसी तरह परमात्मा भी सब में समान रूप से नहीं है, सब में समान रूप से नहीं है, ना सभी गुणवान हैं, ना सभी बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान है, कुछ गुणवान है, कुछ नीतिमान है। परमात्मा भी ऐसे ही सब में विराजमान है। इसलिए चींटी दब जाती है तब 302 का मुलजिम नहीं बनना पड़ता है। क्यों? परमात्मा वहां भी है। मच्छर मरता है तब भी नहीं लगता कोई धारा। तो इस तरह ये लोक का व्यवहार है, जो जैसा है वैसा व्यवहार होता है। लेकिन ये बात है, पंडिता समदर्शिना, कुशल व्यक्ति समदर्शी होते हैं। तो समदर्शी का मतलब कतई नहीं कि एक साथ भोजन करना, एक जैसे रहना, नहीं। जो जैसा है उसके साथ संवेदनात्मक दृष्टि से सबके सुख की, सबके शांति की कामना करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हो, कोई किसी को कष्ट ना दे, किसी का धन हरण ना करे, अपहरण ना करे, अपमान ना करे, आदि आदि।
अब अगला प्रसंग सूत जी महाराज बताते हैं कि जब वेद व्यास जी की आंतरिक स्थिति को सदगुरुदेव ने जाना तो कहा, देखो जो आपने एक वेद था उसका चार वेद कर दिया, उसके भी उपांग कर दिए, क्योंकि सबको समान अधिकार सब में नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हमने महाभारत बना दिया। महाभारत बनाने के बाद भी 17 पुराण बनाए आपने बनाया, लेकिन विशुद्ध प्रेम का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं दिखा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जिस पुराण को जिस नाम से आपने लिखा उसी को परतत्व बना दिया। अच्छा जी, तो देखिए हम आपको चार सूत्र देते हैं जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम, सरहस्यं तदंगच ध्यान गदितम मया। हमारे दादाजी ने अर्थात भगवान नारायण ने हमारे पिता ब्रह्मा जी को जो सूत्र दिया चार, वो मैं आपको देता हूं। वो ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त है। मैं जैसा हूं, जितना हूं, जिस प्रकार का हूं, जैसे हूं, वो सब तुम में हो जाए, तुम भी वैसे ही बन जाओ, वैसे ही तुम्हें ज्ञान हो जाए। तो मैं कैसा हूं? अहमेव समेवाग्रे, अहमेव समेवाग्रे, नान्यद यत सत सत परम। समेवाग्रे नान्यद यत सत सत परम, पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। 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 सबसे पहले, सृष्टि से पहले मैं ही था। अहमेव समेवाग्रे, हे ब्रह्मण, हे ब्रह्मदेव, सबसे पहले मैं ही था। न सत्य था न असत्य था, सत्य भी मैं ही था, असत्य भी मैं ही था, प्रकाश भी मैं ही था, अंधकार भी मैं ही था, और बाद में भी मैं ही रहूंगा। जो बचेगा वो भी मैं ही रहूंगा, बाकी रितेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। रितेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद् विद्यादात्मनो यथा भासो यथा तमः।
बचेगा वो मेरा ही स्वरूप बचेगा। यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, यथा महांति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जो कुछ मेरे अलावा दिखता है हे ब्रह्मदेव वो मेरी माया है। मेरी माया के पार वही जाएगा जो मेरे पास आएगा, जो मेरा होके रहेगा। और हे ब्रह्मन् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो कुछ भी है था और रहेगा वो भी मैं ही रहूंगा, मैं ही हूं, मैं ही था। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना, भवान कल्प विकल्पेषु नाभिमुह्यति करैचित्। जो मैं आपसे कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मैं सबके भीतर भी हूं, सबसे बाहर भी हूं। अतिशय गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद, अतिशय गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद, अतिशय गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद, अतिशय गोतीतम चरित पुनीतम। माया उनकी है, मायापति है वे, लेकिन माया के अधीन नहीं है, माया उनके अधीन है। तो अब मेरी बात मानो और इसी को विस्तार करो। देखो संतों का ब्राह्मणों का आशीर्वाद आवश्यक होता है। एक बार मैं दासी का पुत्र था, ब्राह्मणों के गांव में, ब्राह्मणों के घर में मेरी माँ बर्तन चौका आदि साफ सफाई किया करती थी। मैं भी पीछे पीछे लगा रहता था। चतुर्मासा लगा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के बाद चौमासा लगता है। कोई संत महात्मा 15 दिन को ही महीना मानते हुए 2 माह रहते हैं, और कोई महात्मा गण 30 दिन को महीना मानकर 4 माह एक जगह रहते हैं। दोनों विधि शास्त्र सम्मत है। चौमासा करने के लिए कुछ संत महात्मा एक ब्राह्मण के गांव में आए, तो मेरी मां को भी उनकी सेवा में चौका बर्तन भोजन बनाने वाले बर्तन को साफ करना सेवा में लगा दिया गया। मैं भी साथ साथ रहता था मां के। तो जमात जहां होती है, संख्या ज्यादा होती है भोजन करने वालों की, तो बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते हैं बर्तन में। उन बर्तनों में बड़े बड़े बर्तन थे, मैं छोटा था। जब माँ साफ कर दे तो मैं उन्हीं टोकने में बर्तन में सो जाता। महाराज जी हमारे घूमते घूमते आते, अरे रामदास रामदास कहाँ गया कहाँ गया, उठा के ले जाते
और अपनी जूठी शीतल प्रसादी जो रखा रहता था उसको खिला दिया करते थे। इस तरह बड़ा अनुराग हो गया, उन्होंने मुझे शिष्य बनाया। चतुर्व्यूह अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव, इन चतुर्व्यूहों के नामों का मंत्र दे दिया। ठीक है, लेकिन जब चौमासा पूरा हुआ जाने लगे तो मैंने कहा गुरुजी हमको भी साथ ले लो। ना भैया ना ना, एक तो वैसे ही साधु कोई बनना नहीं चाहता, और बनाओ तो माता पिता स्वीकार नहीं करते, और दुनिया कितनो ऐब लाग जाए लड़िकक हमरे, लेकिन साधु न बने। वो चोर निकल जाए, डकैत निकल जाए, अरे कतली निकल जाए, कुल करे, लेकिन साधु न बने। हा, तो भैया तू अकेला अपनी माँ का लड़का है, अगर अपने साथ ले जाएंगे तो क्या होगा? बदनामी होगी, बाबा आए बेचारी एक लड़का रहा कि एकलौता, वो उठा लेगी, निर्मोही है बाबा। तो भैया तेरी माँ भी रोएगी और गांव वाले भी हमको दोष देंगे, इसलिए जब तक माँ है तब तक तुमको माँ की सेवा करनी चाहिए। हे व्यास जी, वे गुरु जी मंत्र दिए थे उसी को जपने के लिए कहकर चले गए। अब मैंने सोचा देखो काश अगर आज मेरी माता न होती तो मैं संतों के साथ ही रहता, क्या आनंद होता। कुछ दिन बाद मानो भगवान ने सुन लिया और मेरी माता गाय से दूध दुहने जा रही थी, रास्ते में अंधेरा था, सांप पर पैर पड़ गया, सांप ने डस लिया और वो चल बसी। बच्चों ने आके बताया, रे रामदास तेरी माँ तो चली गई, सांप काट लिया, मर गई। तो हे महाराज व्यास जी, मेरे भीतर प्रसन्नता हुई लेकिन बाहर से मैं रोया, क्योंकि समाज, गांव, सभ्यता, संस्कृति के अनुसार रहना होता है। अगर मैं न रोता तो लोग कहते बड़ा ये निर्मोही है। देखो, एकमात्र अपने माँ का सहारा था और इसको भी एकमात्र माँ ही सहारा थी, आज वो चली गई, इसको पाल पोस कर बढ़ाया, लेकिन देखो इसके आंसू सूख गए, रोया तक नहीं। तो सामाजिक तौर तरीके से मैं देखने में रोया लेकिन मैं भीतर से नहीं रोया। माँ का संस्कार किया और भैया अब वहां क्या बचा? पिता थे नहीं, माँ थी, माँ भी चली गई, शादी विवाह किया नहीं था। माता यस्य गृहे नास्ति नास्ति प्रिया प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम्। माता नहीं, पत्नी नहीं, तो घर कैसा? गृहिणी गृह मित्याहु, घर से ही, गृहिणी से ही घर होता है। मैंने गांव छोड़ दिया, अपने गांव से उत्तर दिशा में चला, उत्तर दिशा में
चलते 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 जंगलों के बीच पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के सहारे जड़ पर बैठे। आंख मूंदी ध्यान लग गया, भगवान ने झांकी दिया। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम। सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ स्त्रियम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ स्त्रियम। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम भगवान की। भगवान शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल मुकुट वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि उनके सुंदर सुंदर कोमल कोमल करारविंद उनके नयन सुंदर उनके श्रवण सुंदर उनकी नासिका सुंदर उनके अधरारे ओष्ठ सुंदर उनकी ग्रीवा सुंदर उनकी भुजाएं सुंदर चरणारविंद सुंदर। तो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान आपका मंगल हो, भगवान आपका मंगल हो, नित मंगल हो, नित मंगल हो, नित मंगल हो, चरण का मंगल हो, श्री युगल चरण का मंगल हो, नयनारविंद का मंगल हो, नयनारविंद का मंगल हो, श्रवणारविंद का मंगल हो, श्रवणारविंद का मंगल हो, श्री अभय हस्त का मंगल हो, श्री अभय हस्त का का मंगल हो, श्री कीर्ति मुकुट का मंगल हो, श्री मुख मंडल का मंगल हो, श्री मुख मंडल का मंगल हो, नित मंगल हो, नित मंगल हो, नित मंगल हो, नित मंगल हो, भगवान आपका मंगल हो, भगवान आपका मंगल हो, मंगल हो। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नारद जी भगवान के दिव्य अवयवों का चरणारविंद का हाथों का कानों का नासिका का आंखों का मुकुट का किरीट का कुंडल का कौस्तुभ मणि का वक्षस्थल का अभय हस्त का सबका मंगल किया, लेकिन बहुत देर तक वो बाकी झांकी नहीं रही, लुप्त हो गई। अब हे व्यास जी मैं बेहाल हो गया कि पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो। लेकिन बहुत ज्यादा विकल होने पर आकाशवाणी हुई
देखो हे रामदास, संतों के आशीर्वाद से तुम्हें मंत्र मिला, गुरु जी के आशीर्वाद हुए और नाम जप का और सेवा का फल मिला, मैंने तुमको दर्शन दिया। लेकिन अब दर्शन नहीं पाओगे, ये शरीर छूटेगी, देव श्रेणी में आओगे, तब तुम्हें देवताओं द्वारा वीणा मिलेगी, उस वीणा के तार पर नित्य संगीत में कीर्तन करते रहोगे। प्रहलादस्तालधारी तरल गति तया चोधव कांस्यधारी वीणा पाणी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यस्याग्रे भाव भक्ता कुशल रचनया व्यास पुत्रो बभूव। एक टोली बन गई, प्रहलाद जी ताल और लय के अनुसार भगवान का दिव्य लय में ताल मिलाने लगे, मंजीरा उद्धव जी बजाने लगे और श्री देवर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे, सुंदर सुंदर सुरलित कंठ से अर्जुन जी गीत भजन गाने लगे, देवराज इंद्र ने मृदंग बजाया, देवराज इंद्र ने मृदंग बजाया और जय हो जय हो जय हो बार बार जयकारा करने लगे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। और सबसे आगे भगवान श्री सुखदेव जी सुंदर सनई सनई ही पठन भागवतम सनई सनई, भागवतों के भागवत के श्लोकों का सुंदर कंठ से भगवान सुखदेव जी ने गान किया। ये कोई मत कहे कि भागवत में गान बजाने की क्या जरूरत है, जो भगवान के भजन में फिरका नहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, कीर्तन नहीं किया, उसके अंग प्रत्यंग थिरके नहीं, तो निश्चित है उसको संसार के आंगन में नाचना नर्तकी बनकर नाचना पड़ेगा। इसलिए बाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च। भगवान के प्रेम में भक्त कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी ताल मिलाता है और नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनाद भी राजोपचारी सकले संतुष्टो भव राघव, सकले संतुष्टो भव माधव, सकले संतुष्टा भव माधवी। ये गायन और वादन व्यर्थ नहीं है,
गौशाले में संगीत के लय को बजाइए, संगीत सुनाइए गौ माता को, तो सच कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, उनके अंदर दूध की बढ़ोतरी हो जाएगी। आपकी गायें दूध ज्यादा देने लगेगी, उनको भी संगीत अच्छा लगता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही न। जिनको लय और ताल नहीं मालूम, समझ लो बिना पूछ के पशु हैं वो। हमारे देश का हर भारतवासी, अब कुछ नहीं मिलेगा तो चौपाई ही गाएगा, पर गाएगा जरूर। प्रिय बंधुओं, अगला प्रसंग जुड़ा, विस्तार किया महाराज श्री वेद व्यास जी ने, जो गुरु जी ने दिया। तो ये श्री नारद जी का शरीर छूटा और देव योनि में गए और वहां इनको वीणा मिली और तीनों लोकों में विचरण करने की क्षमता भक्ति के कारण आ गई। अगला प्रसंग है, महाभारत काल में भीम के गदा से दुर्योधन का जंघा टूटा, अश्वत्थामा ने अपने प्रिय मित्र का हित साधन करने के लिए पांडव समझकर पांडव पुत्रों का वध किया, सोए हुए धृष्टद्युम्न का वध किया। और जब दुर्योधन के सामने ला कर दिया पांच सिर, लो 11 अक्षौहिणी सेना लेकर भी जो तुम नहीं कर सके वो तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन, लेकिन जब दबाया तो सिर कोमल थे, दब गए, तो विषाद हुआ, दुखी हुआ। अरे मित्र, तूने अनर्थ कर दिया, ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पांच पुत्र हैं, एक युधिष्ठिर का है, एक भीम का है, एक अर्जुन का है, एक नकुल और एक सहदेव का है। उसका शरीरांत हो गया, श्वास बंद हो गई। अश्वत्थामा सोचता है, यदि पांडव जीवित हैं अब मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, अपने बचने का प्रयास करने लगा। कहां जाएगा, कौन बचाएगा? यहां जब द्रौपदी माता को उनके पुत्रों का संहार हो गया, मारे गए, ये सुनकर जब तड़पने लगी, रोने लगी, तो उसके रोने को देखकर अर्जुन ने प्रण किया, मैं तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ के लाता हूं। और जैसा दंड उसको दिया जाना चाहिए दंड मिलेगा, तुम शांत रहो। भगवान को साथ लिए पीछा किया, खोजबीन करके पता लगा, पहुंचे अर्जुन को आते और भगवान श्री कृष्ण को आते देखकर उसने सोचा, अब हम बचेंगे नहीं। यद्यपि वह चिरजीवी है, लेकिन उसे ये याद ना रहा, होश ना रहा, स्मृति ना रही कि हम चिरजीवी हैं, मर नहीं सकते। कृतापराधः स्वयमेव संकितः, जो दूसरों की जान की परवाह नहीं करता, हत्या करता है, उसका विवेक मर जाता है। क्या खूबियां हैं उसके अंदर वो भूल जाता है। अश्वत्थामा को ये पता नहीं रह गया कि हम मरेंगे नहीं,
और मरने के भय से बचाव में उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की अनुमति लेकर अर्जुन ने उसका जवाब दिया। कहते हैं दोनों शक्तियां टकराने वाली ही थी, तब तक वेदव्यास जी ने दोनों को रोका, अर्जुन का वापस करवाया और इससे कहा वापस कर, कहा हमारे पिताजी ने हमको चलाना सिखाया, वापस करना नहीं सिखाया। बड़े जोर से डांटा वेदव्यास जी ने, अरे मूर्ख, जब तुझे वापस लौटाना नहीं आता तो चलाया ही क्यों, दिशा बदल दे। लेकिन तब तक पकड़ लिया गया और बांधकर द्रौपदी के सामने ले आया गया। बंधनों से बंधे हुए गुरुपुत्र को द्रौपदी ने देखा, उनके अंदर दया भाव आ गया, भाव आया, हे स्वामिन, ये तो गुरुपुत्र हैं, साक्षात गुरु ही माने जाते हैं, इनके पिताजी भी नहीं हैं, फिर इनको काहे को बांध रखे हो, छोड़ दीजिए, इनके दंड देने से इनको दंड मिले, क्या हमारे पुत्र जीवित हो जाएंगे? इनके पिता से आपने धनुर्विद्या सीखी है, इसलिए उनका बहुत बड़ा एहसान है, ये उनके पुत्र हैं, साक्षात वही हैं, ऐसा मानकर इनको छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम एस मुच्यताम मुच्यताम एस ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़िए छोड़िए, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणो जगतो गुरु, ब्राह्मण जगत गुरु होता है, छोड़ दीजिए, दंड मत दीजिए। भीम कहते नहीं, ये हत्यारा है, सोते समय किसी को मारा जाए, घर को फूंक दिया जाए, आग लगाया जाए और सुरापान किया जाए, शराब पिया जाए, चोरी किया जाए, गुरु तलपग गुरु जी की सैया पर सोया जाए, गुरु पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, ये सब महापातक हैं, ये महापातकी है, इसको दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। युधिष्ठिर जी कहते हैं जो द्रौपदी कह रही है वही ठीक है। अब अर्जुन जी ने भगवान से पूछा क्या करें बताइए ना, हमारे घर में दो मत हो गया, दो कहते हैं छोड़ा जाए, पर हमसे महान बलशाली हमारे भाई बृकोदर हैं, भीम है, ये कहते हैं मारो मारो, हम क्या करें? भगवान ने कहा अर्जुन आतताई को मारना चाहिए, परंतु ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा तब दोनों कैसे होगा, मारना भी और छोड़ना भी? तब विकल्प दिया प्रभु ने, बपनम द्रविड़ादानम स्थाना निर्यापण तथा भगवान ने समाधान किया, आतताई तो वध के लायक होता है, परंतु ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं हो सकता, मृत्युदंड नहीं है, हां उसका सिर मुड़ा दिया जाए,
उसका धन ले लिया जाए और स्थान से बाहर कर दिया जाए। तुरंत उन्होंने मुड़ मुड़ाया, बड़ी चमकने लगी, तलवार की नोक से उसको खोद कर निकाल लिया। भगवान ने कहा, अश्वत्थामा, तुमने बहुत बड़ा जघन्य पाप किया है, अब हमें शाप देने के लिए विवश कर दिया तुमने, जाओ तुम मरोगे तो नहीं लेकिन जीना भी तुम्हारा मरने जैसा ही होगा, तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी, दुर्गंध निकलती रहेगी, श्राव होता रहेगा तुम्हारे घाव से, कभी पूरा नहीं होगा, सड़न होगी उसमें, ना मरोगे ना मर सकोगे ना जी सकोगे, जाओ। ठीक है, अब भगवान जाने की इच्छा करते हैं। मां कुंती प्रणाम करती है, नमस्ये पुरुषं त्वाज्यं ईश्वरं प्रकृते परम्। नमस्ते पुरुषं त्वाज्यं ईश्वरं प्रकृते परम्। अलक्ष्यं सर्वभूतानां बहिरवस्थितम्। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण प्रीतये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण प्रीतये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण प्रीतये। प्रार्थना करती है, प्रणाम करती है, भगवान कहते हैं, बुआ जी उल्टी गंगा क्यों बहाती हो, मैं तो आपका भतीजा हूं, प्रणाम मुझे करना चाहिए, उल्टे आप प्रणाम कर रही हो। कुंती जी ने कहा, स्नेह बंधनम इमम छिंधी, जो पारिवारिक बंधन है, माया का बंधन है, इसे काट दो गोविंद, आज हमें कह लेने दीजिए, आपके नाभि से कमल है, आपके कंठ में कमल की माला है, आपके नयन कमल के समान है, आपके चरणारविंद कमलवत हैं, कमल जैसे हैं, आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं, किसी भी बंधन के बंधन से मुक्त हैं, किसी प्रकार का बंधन आप पर नहीं है, समस्त प्राणियों से
ओझल रहते हैं, अलक्षम सर्वभूताना, समस्त प्राणियों की दृष्टि से ओझल रहते हैं, दिखाई नहीं देते, करते सब हैं, नहीं करते भी दिखाई नहीं देते, भीतर बाहर सब जगह अंतर बहिर्वस्थित हो, अकिंचनों के आप वित्त हैं, धन हैं, जिनके चरण ही आपके धन हैं, ऐसे आत्माराम कैवल्य एकाकी रमने वाले, योगियों के हृदय में रमण करने वाले, रज रज कण कण में व्याप्त रहने वाले, कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन जिसको सोई जानत जेहि देत जनाई, सोई जानत जेहि देत जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। बिना ज्ञान के कोई ज्ञानी नहीं होता और बिना जाने प्रेम भी नहीं होता, लेकिन जिसको आप जना देते हैं वो आपका हो जाता है, दृष्टि निराली हो जाती है। कण कण में झांकी भगवान की, कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली है आंख ने पहचान की, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, नाम देव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, नाथ सूखी तो ना खाओ, भगवान की, किसी सोच वाली आंख में पहचान की, किसी सोच वाली
गंगा की प्याले पी गई जहर की प्याले पी गई जहर के प्याले ऐसा गिरधर को बसाया हर सांस में ऐसा गिरधर को बसाया हर सांस में जब आया काला नाग बोली धन मेरे भाग जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग आज प्रभु आए हैं सांप के लिबास में आओ आओ बले हारे प्यारे कृष्ण मोराए आओ आओ बले हारे प्यारे कृष्ण मोरारी बड़े कृपा है कृपा निधान की बलिहारे हूँ मैं आपके एहसान की बलिहारे हूँ मैं आपके एहसान की कण कण में है वो जर्रे जर्रे में है जर्रे जर्रे में है झांके भगवान की किसी सोच वाली आंख ने पहचान की किसी सोच वाली आंख ने पहचान जले जले में झांकी भगवान की भगवान के किसे सोच वाले आँख ने पहचान गोपाल कृष्ण भगवान की जय भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है सब में है लेकिन सब में दिखाई नहीं पड़ते। अब कुंती जी कहती हैं, हे गोविंद यदि आपको हमारे दुख में ही आना अच्छा लगता है तो कृपा बरसाइए हमें दुख ही दीजिए। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम विपदा संतु न शश्वत तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम भवतो दर्शनम यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम हमें दुख ही दीजिए मैं दुख में ही रह लूंगी इससे क्या होगा कि हमेशा आप हमारे दुख में आते दिखोगे हम आपको अपने घर से जाते देखना नहीं चाहती हे गोपाल हमेशा आप आते दिखो। भगवान रुक गए और कहे देवी अरे बुआ जी आप विचित्र हैं कितना दुख हुआ जन्मते ही गोद चली गई दूसरे के जिस जननी ने जना तुम्हें जन्म दिया उसका प्यार नहीं पाई तू विवाह के योग्य हुई पति का बर्दहस्त हट गया युवावस्था में ही युवती अवस्था में ही तुम्हारा पति वियोग हो गया बन बन भटकते रहे तुम्हारे पुत्र ठोकरें खाते रहे और आज जब तुम राजमाता हो गई हो पुत्र तुम्हारे सुखी हो गए हैं और तब तुम
दुख मांगती हो। कहती हैं हे गोविंद, सुख के माथे सिल परो, सुख के माथे सिल परो, जो हरि नाम भुला, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, दुख में सब रोते हैं। संसार की नदियां के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। दुख बुलबुला, सुख सपना दुख बुलबुला, ये दोनों मेहमान, इनसे कभी न उबते जो भजते भगवान, भगवान के सहारे रहना, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, दुख भी सुख होता है, उन्हें हर परिस्थितियां अनुकूल लगती हैं। गोविंद साथ ही साथ रहते थे, पांडवों की छाया बनकर रहते थे, हर विपत्तियों में साथ रहते थे, लेकिन विपत्तियों को झेलना तो पड़ा ही। सहयोगी सहयोग देगा, भोजन करने वाला भोजन करा देगा, पर पचाना तो अपने को ही पड़ेगा।
वहां भी भगवान प्राणापान समान उदान और व्यान रूप प्राण वायु बनकर पचाते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। इसके बावजूद भी आदमी कराहता क्यों है, हाय हाय क्यों करता है? क्योंकि उसने हाय हाय करने पर विवश किया है। आज दुखी हम इसलिए हैं कि हमने दुख दिए हैं। निश्चित है भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भला तो हो भला, अंत भले का भला। तब द्रौपदी जी कहती हैं हमसे सखा का प्रेम है, इसलिए हमारे सखा रुक गए हमारे प्रेम से। सुभद्रा जी कहती नहीं, हमारे प्यारे प्यारे भैया हैं, अपने बहन के प्यार से रुक गए, प्रेम से रुक गए। तो मांगना हो सो मांगो, भक्ति मांगा कुंती जी ने, सखा भाव को स्थिर रखने की इच्छा की द्रौपदी जी ने, और सुभद्रा जी ने तो कहा भैया क्या मैं जो मांगूंगी दे दोगे? भगवान ने अपने प्यारी बहना सुभद्रा के सिर पर अपने कर पंकज सर पर हाथ रखा और कहा बहना तू जो चाहे सो मांग ले, सब तेरा भाई देने के लिए समर्थ है, बोल तुझे क्या चाहिए बता दे। माता कुंती को थोड़ा असहज लगा, कहीं मेरी बहू की बहू संसार का सुख न मांग बैठे, जो कभी किसी के साथ न गया है न जा रहा है न जाएगा। छूटेगी संपत्ति यहां की यहीं पर, कमर में न तेरे अधेला रहेगा। अभी मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। कभी न साथ देने वाला संसार का सुख न मांग ले,
लेकिन आखिर बहन तो भगवान की है ना। उसने कहा मैं जो मांगूंगी भैया दे दोगे ना। बिल्कुल बहना मांग, तू क्या मांगना चाहती है। तो वही भाव प्रकट किया उसने, जो भाव महाराजा कुलशेखर जी ने भगवान से प्रकट किया था। रोज रोज रंग यात्रा की घोषणा करते थे। घुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने तमहं शिरसा वंदे राजानं कुलशेखरं राजानं कुलशेखरं। जो भाव राजा कुलशेखर जी ने प्रकट किया है भगवान के चरणारविंद के लिए, वही भाव भगवती सुभद्रा जी अपने भाई भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते, चरण का की भक्ति मांगती है। क्या कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राज हंस। जब अंतिम यात्रा आती है भाइयों बहनों, तो हमारे कंठ को गले को कफ बात और पित्त घेर लेते हैं। लेकिन सयाने लोग, आयुर्वेद के नुस्खा के जानकार लोग एक दवा ऐसी लेते हैं जो सब काम करती है, कफ को भी पित्त को भी और बात को भी। ऐसी कौन सी दवा है भाई? इन तीनों मर्ज की एक दवा है और वो है त्रिफला। त्रिफला तीन फल, आंवला, बहेरा, हरड़, हररे। लेकिन अनुपात में बनाइएगा, जितना आंवला हो उसका आधा बहेड़ा हो, उसका आधा हरड़ हो, और कूट लीजिए सूखा के। गीला है सूखा लीजिए, और सूखा मिलता है पसारियों के यहां। हमारे अयोध्या जनपद में, पूर्व नाम फैजाबाद में, बजाजा में भज्जामल जी थे, आज भी हैं, उनके यहां ये दवाएं मिलती हैं। सूखे सूखे आंवले ले लीजिए और बहेड़े ले लीजिए, हरड़ ले लीजिए, अनुपात में सबसे ज्यादा आंवला, उसका आधा बहेड़ा, उसका आधा हरड़, कूट लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। आप रात में सोते समय गर्म पानी के साथ एक फंकी लेंगे तो आपका पेट साफ होगा, स्वच्छ होगा, स्वस्थ होंगे। यदि सुबह लेंगे तो गुड़ के साथ मिला के, उस पाउडर को गुड़ में मिला लीजिए, काले गुड़ में, ये केमिकल वाले गुड़ नहीं, दिखने में सफेद दिखते हैं वो गुणकारी नहीं है, काला गुण मिलाइए, अनुपात में गोली बन जाएगा, और डाल लीजिए मुख में, चूसते रहिए ना, ताकत मिलेगी। रात में खाएंगे तो पेट साफ होगा और सुबह खाएंगे तो ताकत मिलेगी। बागभट्ट जी की का नुस्खा है, ताकत भी मिलेगी और आपका पेट भी साफ होगा। अनुपात में बनाइए, घर की दवा है, लीजिए, जिंदगी भर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
पर आजकल तो आदमी आलसी हो गया है, पर बना बनाए मिलता है, ले आओ, उतना लाभ नहीं, कुछ तो करेगा ही, लेकिन टेबलेट जरूर लेंगे, थोड़ा पानी पिया खत्म, डाल दिया मुख में, हो गया, पर उसका दोष भी है। इंग्लिश की दवाइयां एक तरफ लाभ करती हैं तो अपना विकार भी छोड़ती हैं, पर तुरंत फायदा कर देती हैं तो सोचता है कि बहुत अच्छी दवा है। जैसे किसी लाइन को छोटा करना है तो काटो मत, उसके बगल में बड़ी लाइन खींच तो छोटा हो जाएगा। जिससे आप दुखी हैं उस दुख को वो ऐसा समाप्त करेगा, अपना प्रभाव छोड़ देगा, उसको विलीन कर देगा, वो जहां का तहां है, वो गया नहीं। आयुर्वेद में यह शक्ति है, जड़ मूल से रोग नष्ट करता है, आपको स्वस्थ बनाता है। तो भैया भगवान के चरण त्रिफला जैसे हैं, क्या बात है, हर मर्ज की औषधि है। उस चरण कमल के स्मरण रूप जल में मन को भिगाइए, चरणोदक लेते रहिए, नाम जप करते रहिए, तो भगवती सुभद्रा जी ने भगवान के चरण कमल को मांगा कि आपका चरण कमल ऐसा हो आज ही मुझे मेरे हृदय में आवे, ताकि उसमें मेरा जो मन का राजहंस है, आत्मा रूपी जो राजहंस है, वो उसमें रम जाए। मानस राजहंस मेरा आपके चरणारविंद में रमण करे, बस यही चाहिए। बड़ी सुंदर याचना की। अब तब तक भैया आगे युधिष्ठिर जी बोले हमको राजा नहीं बनना, उनको ले गए, भीष्म जी इंतजार कर रहे थे, ज्ञान दिलवाया, उपदेश दिलवाया, शांति मिली, उत्तरायण हुआ, उनका प्रयाण हुआ, अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की, और इस बीच आ गए महाराज श्री श्री विदुर जी अपने भाई धृतराष्ट्र और भाभी गांधारी को लेने के लिए आधी रात में। सेवा से बहुत संतुष्ट थे धृतराष्ट्र, भैया भीम बहुत सेवा करता है, हाँ क्यों नहीं, वाह वाह वाह। कुत्ते को डंडा मारो पर वो पूछ हिला हिला के, दुम हिला हिला के आपके टुकड़े पर पलने के लिए विवश रहेगा। तो जिस भीम को आपके पुत्रों ने जहर पिला के मारना चाहा, उसी भीम के द्वारा दिए हुए टुकड़े पर जीने वाले, जीने की आशा रखने वाले मेरे भाई, अरे अब तो छोड़ो, परसों मर जाना है तुमको, 3 दिन का जीवन शेष है, चलो। आधी रात में बुला ले गए गंगा जी के किनारे निवास करने लगे। प्रातः काल युधिष्ठिर जी ने देखा मेरे बड़े पिता नहीं है, शायद हम लोगों ने सेवा में कोई त्रुटि की होगी, नाराज होकर मेरे पिताजी बड़े और माताजी चली गई। नारद जी आकर उनको सांत्वना देते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनका समय पूरा हो रहा है, अब वो जाने वाले हैं, विदुर जी लेके गए हैं उनको। यहां अब वो कथा चलिए ध्यान दिला दें, ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दिया उसने, जो अर्जुन की पुत्र वधु उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी है, उसके उदर में एक बच्चा है, पांडवों को निर्बीज करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया, और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। अपने किसी पारिवारिक सदस्य को नहीं याद किया, क्योंकि कुंती माँ ने
दादिया सासू जी ने उपदेश दिया था, बेटी पुत्री जब कभी तुम्हें तकलीफ हो, दुख हो, वेदना हो, कष्ट हो, तो भगवान को याद करना। किसी संसारी व्यक्ति को याद करने से कोई लाभ नहीं। तब जब उसको कष्ट हुआ तो भगवान को याद किया, रक्ष माम कामम धातु मे नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे नाथ, मुझे अपने मरने का भय नहीं, मैं मर जाऊं पर मेरे उदर में पांडवों का कुल दीपक है, वंश का दीपक, कुल दीपक नहीं बुझना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, मुझे अपने जीने की, जीवन की आशा और तृष्णा नहीं है, दुख नहीं, वेदना नहीं, कष्ट नहीं, कोई तड़पन नहीं है, लेकिन एक ही लगन है, एक ही इच्छा है कि मैं, जो पांडवों का कुल दीपक मेरे उदर में है, वो जीवित हो जाए। भगवान ने तुरंत मुखद द्वार से प्रविष्ट होकर सूक्ष्म रूप से जले हुए गर्भ को जीवित कर दिया। गदा का ऐसा प्रभाव दिखलाया, चारों तरफ से लेयर बना दिया, मरे हुए गर्भ को जीवित किया, और फिर द्वारिका चले गए। समय आने पर परीक्षित जी का जन्म हुआ, नाम हुआ देवरात, लेकिन मां के उदर में जिसकी छवि दिखाई पड़ी थी आंखों में, उस छवि को, उस चेहरे को निहार रहा है, सबकी तरफ देखता है, मानो परीक्षा ले रहा है, वो कहां है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो परीक्षा में परीक्षित नाम हो गया। ब्राह्मणों, पंडितों, वैदिकों ने बताया और सब ठीक है, लेकिन थोड़ा आयु कम है। अब ब्राह्मणों के श्राप से, ऋषि के श्राप से सर्पदंश से मृत्यु है, सर्प के काटने से मृत्यु होगी। अब जो लिखा है सो लिखा है, क्या कर सकते हैं। भगवान द्वारिका चले गए थे, उनका वहां स्वागत हुआ था, कुछ समय बाद उनका समाचार लेने के लिए अर्जुन को युधिष्ठिर जी ने द्वारिका भेजा था। द्वापरांत हो गया, भगवान का महाप्रयाण हो गया, 56 करोड़ यदुवंशी चले गए, बचे हुए को अर्जुन को आज्ञा दिया प्रभु ने, तुम ले जाना अपने हस्तिनापुर। जब ये लाने लगे थे तो भीलों ने आक्रमण कर दिया, अर्जुन वही थे, बाण भी वही था, गांडीव, परंतु आज अर्जुन का पैरुख पुरुषत्व, उनकी वीरता, उनका गांडीव धनुष काम नहीं आया। कहा जाता है हर व्यक्ति का समय बदलता है, और इन्हें, इनके धनुष रहते हुए भी इनकी सहायता न हो सकी। क्या हुआ, सब दिन होत न एक समाना, 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 होत न एक समाना, सब दिन होते न एक समाना।
एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले विमाना जी चढ़ के चले विमाना ओ एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के चले विमाना जी चढ़ के चले विमाना एक दिन उनका वनवास भयो दशरथ तले पराना सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक कंचन भरे खजाना जी कंचन भरे खजाना एक दिन राजा हरिश्चंद्र के कंचन भरे खजाना जी कंचन भरे खजाना एक दिन भरे डोमगर पानी ओ एक दिन भरे डोमगर पानी समय होत बलवा दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना दिन अर्जुन महाभारत में जितेंद्र समाना जी जितेंद्र समाना एक दिन भीलों ने लूटी गोपिका 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 वही अर्जुन सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक दिन बालक भय बुदिया में एक दिन भयो सयाना जी एक दिन भयो सयाना एक दिन बालक भयो गुदिया में एक दिन भयो सयाना जी एक दिन भयो सयाना एक दिन चिता जले मरघट पे ओ एक दिन चिता जले मरघट पे धुआं जात आसमाना होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना अरे कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्वाणा ये पद है निर्वाणा कहे कबीर सुनो भाई साधु ये पद है निर्वाणा जी ये पद है निर्वाणा पद के जो अर्थ लगई है सोई चतुर सुजाना सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना सब दिन होत न एक समाना
द्वापर के अंत हो जाने का अनुभव युधिष्ठिर जी को हो गया था। कलयुग के लक्षण दिखते थे, बूढ़ों से सयानों का काम लेना कलयुग में ही संभव है। बीमार पड़ी माता से रोटी बनवाना पुत्रों का कलयुग में ही संभव है। बेटों से बेटियां कई गुना अच्छी होती हैं माता के लिए। माता यदि बीमार पड़ती है तो बेटी दवा खा के आराम करने की सलाह देती है और कहती है, मां तू आराम कर, मैं सब कर लूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बेटा दवा लाता है, मां ये दवा खा लो, रोटियां बना देना, मुझे ऑफिस जाना है। दवा खिला खिला कर मां से काम लेना कलयुग के पुत्रों का काम है भाई। तभी तो बेटी पिता के घर रहती है तो भी नौकरानी रहती, खूब काम करती, लेकिन जब ससुराल चली जाती है, एक बेटी अपने पिता से पूछती है, एक बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, पैदा हुई मेरे घर मातम सछाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, लैले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, लैले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं, कैसी
परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। ए बाबू जी कैसी परंपरा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, कैसी परंपरा है, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है पूरा है ना, ससुराल है पूरा, प्यार मेरा पूरा है ना, ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी बताओ नबाबूजे, क्या याद मेरी आती नहीं। अर्जुन जी आते हैं, इनका चेहरा उदास, बाल बिखरे हुए। बड़े भाई युधिष्ठिर जी पूछते हैं, क्या हुआ, ये हालत क्या हो गई तुम्हारी, कौन सी त्रुटि हो गई जीवन में, तुम्हें शरणागत की रक्षा से मुख मोड़ लिया क्या, अगम्या के साथ गमन किया क्या, बिना अतिथि को भोजन कराए भोजन कर लिया क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जिन प्रभु की कृपा से मछली की आंख का वेधन किया मैंने, और हम सबों के जीवन में द्रौपदी आई, आज उनका वरदहस्त हमारे सर से हट गया, आज वे हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा से दुर्वासा जी के भयानक श्राप से बचे, एक बटलोई का चावल अपनी कृपा दृष्टि से चिपका कर उसका प्राशन करने वाले अहम विश्वम्भरः तृप्तोऽस्मि कहते ही दुर्वासा के साथ आए हुए शिष्यों का पेट भर गया, डकारें आने लगी और वे वापस आने की इच्छा नहीं करते थे। भीम भैया बुलाने गए, उन्होंने कहा भैया हमें भूख नहीं है, क्या वहां द्वारिका से कृष्ण भी आए हैं।
तो जब भैया ने बताया था कि अब तो कब के आके बैठे दर्शनों की इच्छा से आप चलिए दर्शन दीजिए, बोले नहीं हम दुर्वासा जी के, हम दुर्वासा है ना, अम्बरीश के प्रसंग में हमें याद है द्वादशी के व्रत का हमने विघ्न किया, तोड़ना चाहा था, उसका दंड मुझे मिला था, नहीं भैया बिना खिलाए जो भोजन कराकर संतुष्ट किया दुर्योधन ने, उसका आशीर्वाद तुमको हम यहां देते, जाओ सब इच्छाएं पूर्ण होंगी, और बिना खाए ही लौट गए। आज हम उनसे मरहूम हो गए, अनाथ हो गए, महाराजा परीक्षित बना दिए गए राजा, और ये चारों भाई पांचों भाई और द्रौपदी स्वर्गारोहण की तरफ चल पड़े। माता कुंती ने सुनते ही श्वास बंद कर लिया, उपरम हो गई। सबसे पहले द्रौपदी का साथ छूटता है बर्फ में, उत्तराखंड में पूछती है, हे स्वामिन आप सब जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं चल पा रही हूं, मेरा पैर गला जा रहा है, शक्ति मेरी क्षीण हो रही है। युधिष्ठिर जी ने कहा देवी और कोई दोष नहीं, लेकिन हम पांचों में से अर्जुन को तुमने ज्यादा वरीयता प्रदान की थी, और स्वाभाविक भी था, इसलिए। सहदेव ने पूछा, उत्तर मिला, तुम्हें अपने विद्या का अहंकार था, नकुल को अपने सौंदर्य का अहंकार था, अर्जुन को अपने गांडीव का अहंकार था, और भीम को ज्यादा खाने का अहंकार था, बल्कि हिस्सा किसी का नहीं खाना चाहिए। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति यदि है, जैसे कुचैलिनम दंत मलावधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्। कुचैलिनं दन्तमलावधारिणं बहवासनं निष्ठुरभाषिणं च सूर्योदये चास्तमिते शयानम् विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्। ये कुलक्षण है क्या? कुचैलिनम, बहुत गंदा कपड़ा पहनने वाला अशोक कुमार जी, ध्यान दीजिएगा, बहुत गंदा कपड़ा पहनने वाला, दांत से बदबू जिसके आती है, पैरी आदि का रोग है, मुख में गंदगी है, साफ नहीं करता, अधिक आहार, पांच जनों का आहार इकट्ठे खा जाए, निष्ठुर भाषी हो, कड़वी बात बोलता हो, सूर्यास्त में शयन करे, सूर्योदय में शयन करे, सो जाए, अगर ये कुलक्षण भगवान नारायण में आ जाए तो लक्ष्मी उनको हाथ जोड़ के छोड़ देती है, तो सामान्य व्यक्ति की बात क्या है। इसलिए भले ही कपड़ा फटा हो, पुराना हो, पर स्वच्छ होना चाहिए।
मुख से बदबू नहीं आनी चाहिए। रात में इलायची खा के सो जाओ। सुबह भी इलायची खाओ तो पेट गर्म नहीं होगा, माइग्रेन का रोग नहीं होगा, पेट गुड़गुड़ाएगा नहीं। रोज दो इलायची छोटी वाली खाओ खाली पेट, निश्चित है गैस नहीं बनने देगा, गुड़गुड़ाहट नहीं होगी। तो इसलिए महाराज भीम जी का साथ छूटा, अकेले बचे धृतराष्ट्र, क्या नाम, युधिष्ठिर जी, एक कुत्ता भी पीछे पीछे हो लिया। विमान आया उनको बैठने के लिए, चलिए साहब आप बैठिए विमान पर। बोले कुत्ता भी बैठेगा तब ना, छी चांडाल कुत्ता, कुत्ता बैठेगा और नहीं तो क्या। हमारे जो अपने कहते थे उन्होंने साथ छोड़ दिया मेरा, मुझे अकेले युधिष्ठिर का साथ कौन दिया, कुत्ता। उत्सवे व्यसने चैव, धर्मशास्त्र कहता है उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। चत्वारे स्मशाने च जह तिष्ठति स बांधव, जो मरने जीने का साथ दे, दुख सुख में साथ रहे, सुख में सुखी दुख में दुखी हो, बंधु वही है। जब मेरा कोई नहीं तभी ये मेरे साथ है। इसलिए विमान वालों, चाहे विमान रखो या ले जाओ, अगर ये कुत्ता नहीं बैठा तो मैं नहीं बैठूंगा। पक्का? बोले पक्का। तीन बार बोले सत्य कहता हूं, सत्य कहता हूं, शपथ पूर्वक कहता हूं, ये कुत्ता नहीं बैठेगा तो ले जाओ विमान, हम यहीं बर्फ में रहेंगे। वो कुत्ता बदलकर धर्मराज हो गए। धर्मराज भगवान की जय। विमान पर बैठकर युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए और यहां महाराजा परीक्षित का राज हुआ। दिग्विजय में दर्शन होते हैं धर्म के, बैल के रूप में, धरती के गऊ के रूप में, लेकिन बैल का दर्शन हुआ है एक पैर पर खड़ा है, तीन पैर टूट चुके, उस बचे हुए पैर पर भी कुठाराघात करता हुआ कोई व्यक्ति काला कलूटा तोड़ना चाहता है। गऊ माता बगल में खड़ी है, कांप रही है, बार बार गोबर होता है, गोमूत्र होता है। महाराजा परीक्षित सोचते हैं वाह, हमारे ही देश में, हमारे ही जीवन में, हमारे ही सामने। तुरंत बाण निकाला, चढ़ाया, इस अधर्मी को मार देना चाहिए, कैसे जी रहा है हमारे राजा। जैसे ही तरकस से बाण निकालना चाहे, चढ़ाना चाहे, दौड़ता हुआ वह व्यक्ति डंडा फेंक दिया और लंबा है मानो, दंडवत महाराज, दंडवत महाराज, मैं आप शरणागत हूं, मुझ पर प्रहार मत कीजिए, मुझे रक्षा कीजिए मेरी। नहीं नहीं,
अधर्म बंधु है तू, तेरा काम अच्छा नहीं है, निरपराधों को सताता है, फिर कहता है मुझे छोड़ दो। नहीं, नपशतव्यम, तुझे नहीं बसना हमारे देश की सीमा के भीतर, बाहर जा। कहां जाए, जिधर दृष्टि डालते हैं उधर आप ही का तो राज है। जहां कहिए वहां चले जाए तो ठीक, जाओ जहां जुआ खेला जाए, अर्थात जुआ तो खेला ही जाता था। कहा नहीं, हम जान चुके हैं जुआ जीवन का घातक है, परिवार का विनाश करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, सिखाने वाला है, झूठ बोलना सिखाने वाला है, अपनों से धोखा देने वाला है जुआ। तो जहां लोग पीते हों, पियक्कड़ बैठे हों, वहां चले जाओगे? नहीं नहीं, वहां भी नहीं। एक बेईमान आदमी भी साथी ईमानदार चाहता है, एक बेईमान आदमी भी साथी ईमानदार चाहता है। वो स्वयं दुष्ट है पर दुष्टों के साथ रहना नहीं चाहता, सताता है पर सताने वालों के साथ नहीं रहना चाहता। तब कहा जाओ जहां स्त्रियां आपस में झगड़ा करती हो, कलह होता हो। नहीं नहीं नहीं, हमको भी शांति प्रिय है, स्त्रियां कभी चुपचाप नहीं रह सकती। दो पुरुष बैठे हो तो चुपचाप चल जाएगा, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जहां जो स्त्री, दो स्त्रियां जहां हुई उनका हालचाल शुरू, सोनापन दूर हो जाएगा, ना चुप रहेंगे ना चुप रहने देंगे। अच्छा जी, तब उसने कहा महाराज हम बहुत काम के आदमी हैं, मेरे समय में मनसा पाप नहीं लगता जब तक किया न जाए, सोचने मात्र से पाप नहीं लगता। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी ने भी कृपा की है, लिखा है कली कर एक पुनीत प्रतापा, 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 मानस का आदमी है, बता कहां रहना चाहता है? बोला सोने में, सोने में सुला दीजिए, विश्राम दे दीजिए, मैं विश्राम करूंगा। हां कहते ही चरणों में अपने जीवन की क्षमा याचना, जीवन को चाहने वाला, जैसे ही सोने में निवास दिया राजा ने, मस्तक पर चढ़ गया। बैल से पूछा राजा ने, हे महाराज आपके तीन पग किसने तोड़े? धर्म किसी को दोष नहीं देता, धर्म ने कहा हे राजन जिसका धन जाता है धर्म भी चला जाता है,
केहू के सामान चुराए जाए, पता न लगाए पाए की चोरी की है भाई, तो सक जाई संदेह जाएगा, इन्होंने लिया होगा, इन्होंने लिया होगा, उन्होंने लिया होगा, उन्होंने लिया होगा, लिया किसी एक ने, संदेह सब पर हो जाता है, अधर्म हो जाता है। तो हम किसको बताएं? नहीं को जग सुख दुख कर दाता, नहीं को जग सुख दुख कर दाता, नहीं जग को सुख दुख कर दाता, नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रिय बंधुओं, अपने अपने कर्म का फल सभी भोगते हैं, कोई किसी को न दुख देता न सुख देता है। दूसरी बात, आप स्वयं जान लो अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। प्रगट चारि पग धर्म के, कलिमा एक प्रधान, जेन के न विधि दीने दान करे कल्याण, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, रिया देयम बिया देयम, लोभ से दीजिए, लज्जा से दीजिए, प्रेम से दीजिए, बिना प्रेम से दीजिए, देना ही कल्याणकारी है। जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण, सतयुग में चार पैर, त्रेता में तीन, द्वापर में दो, कलयुग में एक, और वो है दान। दान देने वाला तो दानी होता ही है, दान दिलाने वाला भी पुण्यात्मा हो जाता है। सीढ़ी बनाता है नदी के किनारे, जो नहावे ना नहावे स्वयं, पर नहाने वालों का पुण्य प्राप्त करता है। घर बनावे घर में रहे ना रहे, पर रहने वाले का पुण्य प्राप्त करता है। वो स्वयं पहने नहीं, नंगे रहे भले, पर पहनाने वाले का पुण्य प्राप्त कर, पहने पहनने वाले का पुण्य प्राप्त करता है। वो मैंने दान करना कल्याणकारी है, सुपात्र को दान देना चाहिए श्री राम। और वही जब शिकार खेलते खेलते समीप आश्रम के यहां आश्रम में गए, जल की इच्छा किया, ध्यानस्थ ऋषि ने स्वागत नहीं किया, तो कौतूहल बस परिहास में मरे हुए सर्प को गले में डालकर चल दिए। ऋषि बालकों के द्वारा श्रृंगी को पता चलता है और वो श्राप दे बैठता है, रोने लगता है। पता चलने पर समीक महाराज का ध्यान खुलता है और श्री राम गोरमुख नाम के अपने सेवक को सावधान करने के लिए महाराज भेजा जाता है। जैसे ही मुकुट उतारते हैं, तुरंत उन्हें ज्ञान होता है, हमने ऋषि का अपमान किया, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। तब तक उन्हें पता भी चल गया, तो जनमेजय को राजा बनाया और स्वयं गंगा तट पे आ गए। बोले संत भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। हम सभी के मध्य में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पीठाधीश्वर मणिदा छावनी श्री राम अयोध्या से परम पूज्य महंत श्री स्वामी नित्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी परम पूज्य स्वामी श्री कमल नयन दास जी महाराज श्री जी का आगमन हो चुका है। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर उनका आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक स्वागत करें। खिले हैं फूल उपवन के, बोले सद्गुरुदेव भगवान की।
उपवन के मेरे गुरुदेव आए सब के जगे हैं भाग हम सब के जो कुटिया में पधारे हैं जगे हैं भाग हम सब के जो कुटिया में पधारे हैं खिले हैं फूल उपवन के मेरे गुरु देव कमलेभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ हरिः ॐ मा स्वस्ति न इन्द्रो वृषस्रवाः स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं पांच मिनट कथा अवशिष्ट है समय अपने स्थान पर आपको सूचित करता है समय से सब अच्छा लगता है आज कितना सुंदर संत सदगुरु पधारे हैं भगवान को आह्लाद होता है और वे उनका मुखोल्लास होकर अभिवृद्धि की इच्छा से सबको स्वस्थ मस्त रहने की कृपा करते हैं आप सुन रहे थे महाराजा परीक्षित शापित हो चुके हैं अपने पुत्र जनमेजय को राज्य का सारा भार सौंप दिया अनूठी बात देखिए राज का चिन्ह राज का मुकुट राज की सारी जिम्मेदारियां सौंपने के बावजूद उन्हें श्री वेदव्यास महर्षि ने राजा के पद से जगह जगह संबोधित किया है राजोवाच जब वे राजा नहीं रहे राज की स्त्री सौंप दिया अब वे साधक हो गए और जिन्हें अपने मृत्यु सन्निकट आती दिखती है क्या उन्हें राजा कहाना अच्छा लगता है भोजन अच्छा लगेगा
नींद आएगी, चैन होगा, कभी नहीं। एक विषधर सर्प घर में फुफकारे तो क्या रात के अंधेरे में उस घर में आप रहना पसंद करेंगे? क्या हिम्मत आपकी पड़ेगी? नहीं। ऐसे ही मृत्यु रूप जो विषधर है उसने अपने भय से अब तो हमें केवल 7 दिन जीना है, लेकिन कम से कम उस ऋषि कुमार ने ये निश्चित कर दिया कि राजा परीक्षित 7 दिन जिएगा ही, 7 दिन से पहले उनकी मृत्यु नहीं होगी, ये निश्चय हो गया। लेकिन बात जीने की नहीं है, बात यहां है भय की। जिस व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रश्न ये है। वे ऋषियों मुनियों से जो कि गंगा तट पर आए हुए बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा हैं, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध हर तरह से अनुभवी हैं, लेकिन सबके अंदर श्रवणपुट से राजा की आर्थनाद सुनाई पड़ती है, प्रश्न आता है, पूछता है ऋषियों गुरुजनों ब्राह्मणों विद्वानों, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हम क्या करें, किं कर्तव्यम् अहो जप्यम्, किसका जप करें, क्या करें, बताइए। कुछ लोग कहने लगे, अरे 7 दिन में क्या हो सकता है, 7 दिन में क्या हो सकता है। बल्कि उस बीच में व्यास जी भी विराजमान थे, उन्हें भी स्मरण नहीं आया कि भागवत सुनाया जाए, जिससे इनकी मृत्यु होनी है वो मुख से ही छुएगा, तो इनकी दवा मुख से ही होनी है। सर्प मुख से ही तो काटेगा, मुख लगाएगा, दांत से दबाएगा, तो इसका इलाज मुख से ही है। और सर्प भी चार पैरों वाला नहीं है, वो तो उरग है, हृदय से चलता है, चक्षुश्रवा है, कान उसके नहीं आंखों से ही सुनता है, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष अदृक्ष लिंगी निजलाभ तुष्ट वृतश्च बालैरवधूत वेश वृतश्च बालैरवधूत वेश जनों, जब कोई काम कोई आधार कोई आश्रय कोई उपाय नहीं मिल रहा था, उस समय भगवत संकल्प से, और चूंकि श्री नारद जी वहां पहुंचकर राजा शापित हो गया है, उसे बचाइए, इन्होंने मना कर दिया था, मेरे से क्या मतलब है, मैं तो नहीं जाता। एक युक्ति लगाई उन्होंने, कहा महाराज एक जानकार व्यक्ति के समक्ष कोई अनजान व्यक्ति
जो इसके उपाय बताने से बच सके और वो ना बताए उसकी मृत्यु हो जाए तो दोष किसको लगता है? सांप काटे और मंत्र के जानकार को वहां जाना ही पड़ता है। जब गुरु बताता है मंत्र को तो बता देता है, चाहे कितना भी दूर सांप काटे किसी को तो वहां तुम्हें जाके उसे बचाना है तो तुम्हारा मंत्र कामयाब होगा। तो उन्होंने कहा किसका दोष होगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो? तो सुखदेव जी ने कहा उसी का जो बतावे नहीं, जिसके बताने से रास्ता मिल जाए, जीवन बच जाए और वो अपनी जिम्मेदारी का पालन ना करे तो दोष किसको लगेगा? उसी को लगेगा जिसने बताया ना। कहा बस महाराज गुरुदेव आप जानो आपका काम, जाने में तो चला। सुखदेव भगवान सोचे देखो अब जाना तो पड़ेगा ही, जब चले दिगंबर हैं, गांव में नहीं जाते थे, बाहर बाहर चलते थे, लेकिन उनको बच्चे कौतूहल बस नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा, पीछे से कोई धूल फेंकता है, कोई थूकता है, कोई ढोंगी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन गोस्वामी पाद जी कहते हैं मानस की चौपाई है, मंत्र है क्या, बूंद अघात सही गिरी कैसे, बूंद अघात सही गिरी कैसे, बूंद अघात जैसे दुष्टों की अपमान भरी वाणी को संत सुनते हैं, सहते हैं, सहन करते हैं, प्रतिकार नहीं करते। गाली आवत एक है उलटत होत अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वा को एक को एक, प्रतिकार मत करो। भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं क्षमा धनु करे यस्य दुर्जना किं करिष्यति, अत्रिणे पतितो बन्हि स्वयमेवो प्रसाम्यति। यदि क्षमा रूप धनुष आपके पास है तो दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वे कुछ नहीं बोलते। जैसे पर्वत पर बूंदे मोटी हो चाहे छोटी हो पटपट 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 पड़ती हैं, उनका आघात गिर सहते हैं, ऐसे ही दुष्टों के व्यंग्य वचन सुनकर संत असहज नहीं होते, उसका प्रतिकार नहीं करते। ऐसे ही भगवान परमहंस स्वरूप श्री सुखदेव जी चले आ रहे हैं, लेकिन जब गंगा तट के पास पहुंचे, बड़े बड़े बड़ी अवस्थाओं वाले वृद्ध वृद्ध संत, पकी पकी दाढ़ी वाले खड़े हो गए, तो बच्चों ने देखा कोई ये तपस्वी है, भागो भागो, बच्चे भाग गए और वे आए, उनका सम्मान किया राजा ने, बिठाया, चरण धोए, पूजन किया, आरती उतारी। आपने महाराज की आरती नहीं उतारी,
संत की आरती उतारनी चाहिए, अभी उतार लीजिएगा। प्रिय बंधुओं, विराज गए तब भी यही प्रश्न था, अब हम क्या करें? जीवन केवल 7 दिन का है। उत्तर देते हैं, घबराओ नहीं, खट्वांगो नाम राज ऋषि। अरे राजन, तुम तो अभी 7 दिन जीने वाले हो, 7 दिन के भीतर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता ना करो। खट्वांग राजा थे, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि बस हमारा जीवन तो कुछ ही क्षणों का बचा है, और ध्यान लगाया, मुक्त हो गए, तो तुम तो 7 दिन रहने वाले हो, चिंता ना करो। और भाई, खास बात तो ये है, दिन 7 ही होते हैं सबके लिए, 8वां कोई दिन नहीं बना। इन 7ों दिनों में, चाहे रात में, चाहे दिन में, शाम में, चाहे सुबह में, कोई ना कोई समय सबके लिए निश्चित है। इसलिए समय थोड़ा है, कार्य अधिक है, कार्याणी बहूनी समयश्चाल पियान, कर्तव्य कार्य बहुत है, समय थोड़ा है, इसलिए इसको व्यर्थ मत गंवाइए। और अब गुरु और शिष्य ऋषियों से घिरे हुए राजर्षि राजा, हाँ तो राजा इनको क्यों कहा जा रहा है, सब कुछ छोड़ने के बाद भी राजा? तो चूंकि भगवत स्मृति रूप जो संपत्ति इनके पास है, वही संपत्तिशाली बना रहा है। जीव गोस्वामी जिनको राजा इसलिए कहा जाता है, इसका उदाहरण दिया, निराकरण किया है। प्रिय बंधुओं, अब हम वाणी को विराम देंगे, समय भी अपने समय पर हो गया है, आरती की जाए और प्रसाद वितरण हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय सदगुरुदेव भगवान की जय। आशीर्वचन वचन वनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पंगाली स्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरारुषा आरोपित भ्रूव्रजं भा त्रस्ताब्धे बद्ध सेतु खलदवदहरा कोसले द्रोवतान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपितमतिः तिति सतां तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं रम्यासूनमुपयामि गुरुमुनीनां।
मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा व्यास मंच परासी वंदनीय श्री जगद्गुरु रामानुजाचार्य महाराज विद्वजन दूर दूर से आए हुए भक्त वृंद सीता सहचरी देवी और माता मंगल कामना के लिए दोबारा भगवान के परम मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर सौभाग्य है जीव न जाने कितने दिनों से भवाटवी में भटक रहा है। ये भवाटवी क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम बार बार जन्मना बार बार माँ के गर्भ में आना बार बार मरना। लेकिन जीव का स्वभाव क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वानुभूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। महाराज श्री आगे सुनाएंगे श्रीमद्भागवत में आत्मा न जजान न मरिष्यति। आत्मा का न कभी जन्म होता है न मरता है, नित्य है शाश्वत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। ईश्वर का अंश है अंशंसी भाव है चेतन है अमल है सुख की राशि वाला है आनंद वाला है। लेश मात्र भी कहीं दुख नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे भवाटवी में भटक रहा है? सो माया बस भयो गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई फिरत सदा माया कर प्रेरा काल स्वभाव कर्म गुण घेरा। भटक रहा है क्या? इस भटकने से कभी छुटकारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई उपाय है? आप कथा सुन रहे हैं। बस केवल एक ही उपाय है, वह है भगवान की कथा। परस्परानुकथनम पावनम भगवदेशा। परस्पर में कथा भगवान की कथा कहे सुने कहा ही सुन ही अनुमोदन करही ते गोपद यो भव निधि तरही। उनके लिए भवाटवी गौखुर के समान हो जाता है।
बड़ा सुंदर संयोग प्राप्त हुआ है। एक महापुरुष के मुखारविंद से आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की प्रपत्ति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए त्रिलोकी में श्रीमद् भागवत जैसा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक जितने भी आख्यान आए, जितनी भी कथाएं आई, चाहे वो असुरों का ही चरित्र क्यों नहीं हो न हो, वहां भी भगवान की शरणागति ही दिखाई गई है। और आप सुन रहे, राजा को श्राप हुआ। बस केवल इतनी ही बात है, सर्प डसेगा मैं मरूंगा, सर्प डसेगा संशय रूपी सर्प डसेगा मैं मरूंगा। और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज अनेक आख्यान के द्वारा, चरित्र के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा राजा के संदेह को दूर करते हैं राजन, और अंत में कथा सुना करके भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम तो राजन वरिष्यति पशु बुद्धिम इमाम जय। राजन सर्प आएगा डसेगा मैं मरूंगा, अगर यह पाशवत बुद्धि है, इस पाशवत बुद्धि को तुम त्याग दो, न तुम पैदा हुए थे, न हुए हो और न होगे, पुत्र पौत्रादि रूपवान, इस संशय को त्याग दो। और राजा को ज्ञान होता है श्रीमद् भागवत के द्वारा, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा ज्ञान होता है। राजा ने अंत में कहा, महाराज जी मुझे कोई भय नहीं रह गया, आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, तक्षक अब आवे या कभी भी आवे, कभी मुझे तक्षक का भय नहीं गया। और कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा भी है, राजा ने समाधि लगाई, कथा सुन करके समाधि लगाई, और ऐसी समाधि लगाई तक्षक के आने के पहले ही वो जा चुके थे, तक्षक के आने के पहले ही जा चुके थे। शरीर ठूस ठूंठ की तरह पड़ा रहा, सर्व डसता है जल करके भस्म हो। ते भगवान की कथा अमृतत्व को प्रदान कराने वाली है, भगवान की शरणागति सबको ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की भक्ति सबको ग्रहण करनी चाहिए। याद रखो, शरणागति किसकी, शरण की शरणागति ग्रहण करें। कमजोर व्यक्ति के शरण में जाओगे, रक्षा की गुहार करोगे, पुकार करोगे, क्या तुम्हारी वो रक्षा कर पाएगा? नहीं नहीं, जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, शरणागति कर रहे हो, शरण में रखने लायक है कि नहीं, वो शरण कैसा होना चाहिए? महापुरुषों ने कहा सर्वेश्वरत्व, वो सबका ईश्वर हो, सर्व जगदियंता हो। दूसरी बात सर्व कारणत्व, आगे महाराज श्री सुनाएंगे इसी दूसरे स्कंद में। कथा प्रारंभ किया महाराज जी ने, भगवान सुखदेव जी महाराज से जब राजा प्रश्न करते हैं क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, भगवान सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर के बड़ी आने सत्य प्रश्नार्थ, राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, लोक हित के लिए ऐसा प्रश्न किया। वहीं दूसरे स्कंद में भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हुए कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्व में मैं ही था, अहम एवं आस,
और पश्चात हम यदि तच्छो यव अवशिष्ये तो सोचते हम सृष्टि के पश्चात भी जो शेष बचता हूँ मैं ही हूँ, तो सब कुछ ये मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। सिए राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जग पानी। तो कहा वो शरण कैसा होना चाहिए, तो सर्व कारण तो वह सबका कारण हो, कार्य और कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाया गया, दिवलियां बनाई गई, तमाम चीज बनाया गया, अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? मृत कहते वह सत्यम वाचारंभण विकारो नाम धेया। जगत का निमित्त उपादान कारण वो प्रभु ही है, भगवान ही है, सर्व कारण। तो फिर कहा तीसरी बात क्या होना चाहिए स्वर्ण में? कहा सर्वशेषित्व, शेष और शेषी भाव। आप सरयू मैया के किनारे जाते हैं, क्या कहते हैं? सरयू जी हैं, लेकिन सरयू जी के घर जल को घड़े में भर लाए, घर में रख लिया, क्या कहोगे? सरयू जी नहीं, नहीं, यह सरयू जल है। ब्रह्म और जीव में इतना ही भेद होता है, अंतर होता है इतना ही। ध्यान दे, वह सर्वशेषित्व सबका शेषी है, शेष और शेषी भाव, यह जगत शेष है। कहा ये तीन बात है, लेकिन अगर यदि हमारे लिए सुलभ नहीं तो किस काम का है ऐसा ब्रह्म? कहा नहीं नहीं, चौथी बात भी उस ब्रह्म के अंदर है, प्रभु के अंदर है। क्या है चौथी बात? सर्व सुलभ तो वह सब प्रकार से सुलभ है। किसी ने कहा आकाश में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, आकाश कुसुम मिलेगा? नहीं नहीं। कहा फिर यहाँ क्या भाव? कहा सर्व सुलभ तो वह सब प्रकार से सुलभ है, वह प्रभु बाहु फैलाए खड़ा हुआ है। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साठ, जो तू होए काठ सो तो मैं लोहे की लाट। भगवान का विरद है, भगवान की प्रतिज्ञा है। शक्र देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम् मम सकृत एव। एक बार ही जिसने ऐसा कह दिया मैं आपका हूं, अरे भाई कहना क्या है? यह जीव भगवान का है, प्रभु का है कि संसार का है? तुम्हारा संबंध भगवान से है कि प्रभु संसार से? नहीं नहीं, महाराज से सुनाएंगे आगे। यत्र सर्वात्मयो तत्केन कं पश्येत कं जिघ्रेत। कहा जब सब में आत्मा ही है तो भय कहाँ? किस बात का भय? काहे का भय? कहा भयम द्वितीयम अभिनिवेशतः स्यात् ईशात् पेशस्य विपर्ययो सुरेति। संसार में भय कहाँ है? कहा असत पदार्थों में, जैसिया राम जो है नहीं, असत पदार्थों में अभिनिवेश होना, जिसे तुम्हें अपना कहना चाहिए उसे अपना नहीं कहा, लेकिन जो वास्तव में है नहीं वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, वहीं पर शोक है, वहीं पर मोह है, वहीं पर भय है। तो भगवान का विरद है, एक बार ही जिसने ऐसा कह दिया। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकुचत सकृत प्रणाम किए हूँ। एक बार ही जिसने कह दिया मैं आपका हूँ, भगवान का विरद है, भगवान की प्रतिज्ञा है त्रिलोकी के समस्त प्राणियों के लिए, मैं उसे अभय कर देता हूँ। भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, बहुत सुंदर संयोग है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, महाराज श्री की बड़ी बहुत बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं, आप सभी लोग मनोयोग से दत्त चित्त होकर के लग करके कथा सुनिए, आनंद लीजिए। और इस भवाटवी से पार जाने का जो मार्ग है उसे दृढ़ करिए, दृढ़ करिए, आरूढ़ होइए, भगवान की भक्ति करिए। भगवान की भक्ति कोई ढोंग नहीं, कोई आडंबर नहीं, तुम्हारा सारा कार्य खाना पीना सोना सब भगवान की भक्ति है। बहुत सुंदर, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें।
सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय हो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राम हरि हरि ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत आयुष प्राण सम्मुखात अग्नि जायत राधे श्याम जी की मैं अपने राम जी की मैं आरती गाऊं 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 राधे राम जी की मैं आरती गाऊं 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 राधे राम जी की मैं आरती गाऊं 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 राधे राम जी की मैं आरती गाऊं 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 राधे राम जी की मैं राधे श्याम जी की मैं अपने राम जी की मैं राधे श्याम जी की मैं ओ आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं कृत कपूर ले भक्ति भाव से आरती थाल सजाओ कृत कपूर भक्ति भाव से आरती थाल सजाओ कृत कपूर ले भक्ति भाव से आरती थाल सजाओ कृत कपूर ले भक्ति भाव से आरती थाल सजाओ घंटी घंटा ढोल ढाक संग सुंदर शंख बजाओ घंटी घंटा ढोल ढाक संग सुंदर शंख बजाओ आहा सुंदर शंख बजाओ आहा सुंदर शंख बजाओ ओ आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं आरती गाऊं गाऊं प्रभु जी नाभि पर तो घुमाओ चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर घुमाओ चार बार चरणों में प्रभु जी नाभि पर तो घुमाओ चार बार चरणन में प्रभु जी नाभि दो घुमाओ आहा नाभि पर तो घुमाओ आहा नाभि दो सात बार सब अंगों पे मैं दिखाऊं एक बार सात बार से अंगों पे मैं दिखाऊं हाँ हाँ अंगों पे मैं दिखाऊं अंगों पे मैं दिखाऊं आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं आरती गाऊं गाऊं श्याम जी की जय अपने राम जी की
जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं। आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं। आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं। आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाऊं। सुख संपत्ति हो तेरी कृपा से श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। सुख संपत्ति हो तेरी कृपा से भक्ति मैं पाऊं। हाँ हाँ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हाँ हाँ श्रद्धा भक्ति मैं पाऊं। जीवन का सब दुख दोष मिटाओ। आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाओ। आरती करके जीवन का मैं सब दुख दोष मिटाओ। सुख संपत्ति हो तेरी कृपा से श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। सुख संपत्ति हो तेरी कृपा से श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हाँ हाँ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हाँ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हाँ हाँ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। गाँव 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 राधे श्याम जी की मैं आरती। गाँव 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 राधे श्याम जी की मैं राधे श्याम जी की मैं अपने राम जी की मैं राधे श्याम जी की मैं अपने राम जी की मैं राधे श्याम जी की मैं अपने राम जी की मैं राधे श्याम जी की मैं अपने राम जी की मैं ओ राधे जय हो की मैं अपने राम जी की मैं राधे श्याम जी की मैं अपने राम जी की मैं आरती गाऊं गाऊं गरीबो गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं आरती गाऊं 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 राधे श्याम जी की मैं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम मृगेन्द्र हारम सनम संतम अरविंदे भव भवानी सनम नमामि त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव दे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण शीतलीकरणम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि।